Are you ready? Are you ready? Yes sir, welcome back to the part two of lecture number 19 और आज हम लोग करने जा रहे हैं capital gains. Till this time we have completed three of big topics. पहला basic खत्म किया, दूसरा हम लोगों ने टी खत्म किया तीसरा सैलरी तीन बड़े टॉपिक खत्म कर चुके हैं आज हम चौथे बड़े टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपिटल गेंस ये नो ये हेड में हमारे लिए दूसरा हेड है जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं एंड एग्जाम ऑफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट right? अच्छा अब कैपिटल गेन कितने मार्क्स के लिए आता है वैसे इंडिविजुअली चैप्टर को मार्क्स नहीं दिया गया है पर सारे हेड मिला करके जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर में बताया था कुछ ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी परसेंटेज इस आ, पूरे पाचवें हेड को मिला के बनाया जाता है वेल कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम भी हेड पे ही बेस्ड होता है तो मैं कह सकता हूं पेपर का लगभग लगभग 40 टू 50 परसेंट जो होता है वो हेड्स पे ही बेस्ड होता है yes no? चलिए सबसे पहले रजिस्टर में जाइए न्यू चैप्टर न्यू पेज हेडिंग दे दीजिए कैपिटल गेन फटाफट करो क्विक बराबर है उसी के नीचे तुरंत सबसे पहले लिखो इंपॉर्टेंट सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शंस इंपॉर्टेंट सेक्शन देखिए सबसे पहला सेक्शन है पूरा कैपिटल गेन 45 से 55 तक कवर होता है इस बीच कौन-कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन 48 इंपॉर्टेंट सेक्शन 48 48 क्या बताता है आप उसके आगे डैश करके लिख सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन दूसरा सेक्शन 50 सी सेक्शन 50 सी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एफवीओसी भी लिख सकते हो एफवीओसी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फिफ्टी डबल ए एफवीओसी फॉर मार्केट लिंक डिवेंचर एफवीओसी फॉर मार्केट लिंकड डिवेंचर देन Section 54 series. Section 54 series. Exemption. Then section 51 for future of advance. Section 51 for future of advance. 45 to conversion of capital asset into stock and trade. conversion of capital asset into stock in trade 45 5 compulsory acquisition 45 5 compulsory acquisition 50 b slum sale 50 b slum sale तो आपके एग्जामिनेशन के लिए आपके प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के लिए यू आर गिविंग फॉर मे ट्वेंटी फोर नवंबर ट्वेंटी फोर और जून डिसम्बर ट्वेंटी फोर ये वो सारे सेक्शन है जो बड़े काम के हैं येसो नो आप जैसा कि जानते हैं जितनी चीजें बहुत ज्यादा काम की होगी वही हम रजिस्टर में उतारेंगे नहीं तो हम नोट्स पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे सी येस राइट रजिस्टर में अंडरस्टैंड सबसे पहले हमें सेक्शन 45 देखना होता है क्या देखना होता है बेटा सेक्शन 45 सेक्शन 45 एक चार्जिंग सेक्शन है हम चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या कहते हैं अगर इन सेक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ही इनकम इस हेड में टैक्सेबल होगा नहीं तो इनकम इस हेड में टैक्सेबल होने वाला नहीं है नहीं तो इनकम इस हेड में टैक्सेबल होने वाला नहीं है

इस ट्रांसफर पे क्या राइज होना चाहिए गेन और ये गेन क्या नहीं होना चाहिए एग्जाम नहीं होना चाहिए ठीक है तो रजिस्टर में जाइए रजिस्टर में लिखिए सेक्शन फोर्टी फाइव सेक्शन फोर्टी फाइव चार्जिंग सेक्शन चार्जिंग सेक्शन पहला मस्ट बी कैपिटल एसेट्स अब क्या ये वर्ड कैपिटल एसेट डिफाइंड है जीव सर डिफाइंड है सेक्शन टू सेक्शन फोर्टीन के अंदर में सेक्शन टू सब सेक्शन फोर्टीन के अंदर में ये हम सीधा नोट से पढ़ेंगे सेकेंड कैपिटल एसेट मस्ट बी ट्रांसफर्ड कैपिटल एसेट क्या होना चाहिए बेटा ट्रांसफर्ड होना चाहिए सर क्या ट्रांसफर्ड डिफाइंड है यस सेक्शन टू सबसेक्शन फोर्टी सेवन ये भी हम कहां पढ़ेंगे नोट्स तीसरा एन मस्ट अराइज एन मस्ट अराइज एंड सच गेन इज नॉट एग्जम्प्टो सेक्शन फोर्टी फाइव का चार्जिंग सेक्शन कैपिटल कैपिटल असेट क्या होना चाहिए बेटा ट्रांसफर होना चाहिए गेन आना चाहिए और ये गेन क्या नहीं होना चाहिए एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए आप सर वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं हमारी टीम मुझे बहुत डांटती है प्लीज ये कर दीजिए आगे बढ़ते हैं हाँ मतलब कुछ उनकी भी एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से जैसे आपकी है मेरे से पहला है कैपिटल कैपिटलट ये कैपिटल असेट क्या होता है सबसे पहले ये एग्जाम्पल ले लेते हैं कैपिटल इज डिफाइंड अंडर सेक्शन टू आइए कैपिटल इज डिफाइंड अंडर सेक्शन टू क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस मूवेबल इमूवेबल टेंजिबल इनटेंजिबल अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखेंगे कैपिटल की तो ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ असेट इज अ कैपिटल अपिटल चाहे वो मूवेबल हो इमूवेबल हो टैंजिबल हो इन हो या फिर

शॉर्ट शॉर्ट में अभी इतना ही समझिए कि अगर कोई इंडियन कंपनी राइट अपने राइट्स ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ट्रांसफर कर देती है किसको किसी भी दूसरे व्यक्ति को और ऐसे केस में उस कंपनी को कोई गेन अराइज होता है तो इसे कैपिटल कैपिटल मान करके गेन टैक्स पे करना पड़े दूसरा सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई एफआईआई जो थे वो इंडिया में आके सिक्योरिटी परचेस करते थे सिक्योरिटी सेल करते थे परचेस करते थे सेल करते थे और बाद में इसे अपना बिजनेस इनकम दिखाते थे जबकि लॉजिकली इस पर होना तो कैपिटल गेन चाहिए

जो 2021 के बाद ली है एक या मल्टीपल पॉलिसी का प्रीमियम कितने से ऊपर जा रहा है टू लैक तो ये सब क्या माना गया है कैपिटल एसेट्स. हालांकि कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो कैपिटल एसेट नहीं माने जा रहे मतलब देर आर सर्टन एक्सेप्शन टू कैपिटल पहला रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया कहीं एग्रीकल्चर पढ़ते वक्त हमने डिस्कस किया है यस रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया कैपिटल सेट नहीं है ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड किसे कहा जाएगा ये हम एग्रीकल्चर टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखें तो प्लीज के देखिएगा तो रूरल एग्रिकल्चर लैंड क्या माना जाएगा कैपिटल सेट याद करो रूल कब माना जाता है अपू डैश किलोमीटर इफ पॉपुलेशन डज नॉट एक्सीड टेन थाउजेंड अपी डॉट एक्सीड वन लैख अपू डैश किलोमीटर पॉपुलेशन डज नॉट एक्सीड टेन लैक्स याद आ रहेगा तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट गैप नहीं माना जाएगा माई क्वेश्चन टू यू इज अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट यस दूसरा 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 पर्सनल इफेक्ट अब ये पर्सनल इफेक्ट क्या होते हैं ऐसी प्रॉपर्टी जो आप या आपका परिवार पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है इसको हम कहते हैं पर्सनल इफेक्ट

स अबल प्रॉपर्टी बट एक्सक्लूड स्टॉप अगर मैं सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन पर फोकस करूं कि पर्सनल इफेक्ट मीन्स अब प्रॉपर्टी मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी हमेशा से पर्सनल इफेक्ट नहीं मानी जाएगी इसीलिए जब भी आप घर बेचेंगे अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेचेंगे इमूबल प्रॉपर्टी लैंड बेचेंगे इस पर कैपिटल के इंटैक्स आएगा हम एक्सक्लूजन के एक्सक्लूजन को पढ़ रहे वो क्या हो जाएगा इंक्लूजन समझ में आ रही है बात तो पर्सनल इफेक्ट में क्या आता है बेटा इमुबल प्रॉपर्टी आता नहीं फर्दर पर्सनल इफेक्ट एक्सक्लूड्स जड़पास पर्सनल इफेक्ट में से कुछ चीजें हटा दी जाती है पर्सनल इफेक्ट बोलो जल्दी से ये असेट्स क्या माने जाएंगे कैपिटल एसेट्स माने जाएंगे मतलब जब भी इनको बेचोगे इन पे कैपिटल गेन टैक्स आएगा जड़पास जड़पास का फुल फॉर्म क्या है पहला जे फॉर ज्वेलरी ज्वेलरी दैट इज ज्वेलरी एंड प्रिशियस स्टोन ये हमेशा क्या माने जाएंगे कैपिटल फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे गले का चेन या अंगूठी बेचा राइट right? तो क्या इस पर कैपिटल गेन टैक्स आएगा येस इवन दो आई एम यूजिंग इट फॉर पर्सनल पर्पज इवन दो आई एम यूजिंग इट फॉर पर्सनल पर्पज ये हो गया हमारा ज्वेलरी दूसरा आर्क्योलॉजिकल कलेक्शन ए फॉर आर्क्योलॉजिकल कलेक्शन पुराने आर्क्योलॉजिकल कलेक्शन होते हैं इसको आप एंटिक्स बोल करके बेचते हो

सुनना सर आदमी के पास ब्लैक मनी है वो पहले कहाँ डालता होगा ब्लैक मनी एनी वन अयाशियों में आदमी के शौक बहुत बड़े होते हैं जब वो पहले अपने शौक पैसा आता है पहले अपने शौक पूरे होंगे फॉर एग्जाम्पल पहली पहली बार जब तुम्हें आर्टिकल चिप का पैसा मिलेगा तुम उस दिन से क्या इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड करना चालू कर दोगे क्या तुम पहले बोलते भाई तरह करेगा पार्टी है ना क्लबिंग को अब पढ़ेंगे नहीं करेंगे बराबर है कि नहीं क्लबिंग को अब पढ़ेंगे नहीं करेंगे तो आदमी पहले पैसा आता है वो पहले एस में उड़ा देता फिर पैसा आता है वो अपने शौक पूरे करता क्योंकि एक बड़ी कहावत है शौक तो पूरे करो जीवन तो एक दिन पूरा हो ही जाएगा है ना तो आदमी शौक पूरे करता ब्रांडेड कपड़े यू नो ब्रांडेड ये ब्रांडेड वो दुनिया भर की चीजें ये सब पूरे करता अब इसके बाद भी पैसा आ रहा है अब क्या करता अब वो बोलता नहीं अब ये बहुत हो गया ये सुनो अब ये बहुत हो गया ठीक है यार अब ये सब कर लिया जो कहते हैं ना हर उम्र में शौक होते हैं जुदा जुदा पहले खिलौने फिर माशु का फिर रुतबा और फिर खुदा खुदा पहले आदमी का शौक क्या होता है पहले पैसा है उसको खिलौने चाहिए फिर <laughs> नहीं नहीं तुम बड़े बच्चों के खिलौने समझ रहे हो <laughs> मैं वो नहीं कह रहा हूं पहले उसको खिलौने चाहिए बचपन में ये सुनो सो आप सोच के देखो लड़कों को भी बार भी चाहिए था बचपन में पता ही नहीं करना क्या है बराबर है कि नहीं पहले उसको बार भी चाहिए था फिर चाहिए होता है फिर उसके क्या होते हैं पहले खिलौने फिर माशूका, अभी आप जिस एज में हो ना, माशुका का मतलब होता है प्यार बराबर है तो आप प्यार ढूंढते रहते हो फिर एक एज आता है यू नो रुतबा अब हम उस एज में आ गए कि अभी प्यार वाला ठीक है अभी चाहिए रुतबा अपने को चाहिए फूल इज्जत समझ तो में रही बात अपने को चाहिए फूल इज्जत और एक होता है हमारे पापा या दादा का एज बोलते खुदा खुदा ये सब में कुछ नहीं रखा गया ये सब मोह माया है ऐसा ना इसीलिए कहते हैं हर उम्र में शौक होते हैं जुदा जुदा पहले खिलौने फिर माशु फिर रुतबा और फिर खुदा खुदा यस तो आदमी उसके बाद क्या करता है अब अपनी इज्जत वाली चीज लेता है शौक पूरे कर लिए अब वो प्रॉपर्टी लेता है गोल्ड लेता है यू नो अदर अदर चीजें ज्वेलरी में इन्वेस्ट करेगा अब इसके बाद भी पैसा आ रहा लैंड ले लेके भी कितना लेगा लैंड प्योरली कैश में तो ले नहीं सकता व्हाइट तो दिखाना पड़ेगा और एक लिमिट के बाहर वो व्हाइट दिखा सकता नहीं तो फिर गोल्ड लेगा गोल्ड लेगा तो प्रॉब्लम क्या है रखे किधर समझ में आ रही बात सिक्योरिटीज लेगा उसके लिए भी व्हाइट चाहिए ब्लैक में आती नहीं तो आदमी के पास जो ब्लैक मनी आ रहा है वो इन्वेस्ट किधर करे तो वो आदमी तब जाता है बड़े शौक पे बड़े शौक ड्राॅइंग पेंटिंग स्कल्पचर्स वो अपना पूरा ब्लैक मनी इधर इन्वेस्ट करता है क्योंकि पेंटिंग एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू डिटरमाइन हो ही नहीं सकती समझ बात तो ये प्योर ब्लैक मनी पे चलता है धंधा ये पूरा का पूरा धंधा ब्लैक मनी के ऊपर चलता है तो ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर वर्क ऑफ आर्ट वो आर्ट वर्क खरीदता है समझ में आ रहा है वो आर्ट वर्क खरीदता है अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ लोग रोलेक्स की वॉचेस लेते हैं ये क्या अलग है समय तो वही दिखा रही है बात समझना लेकिन वो उस आदमी का समय दिखा रही है बात समझना तो वो रोलेक्स लेता है अब रोलेक्स की वॉच ना एक्चुअली डेप्रिशिएट नहीं अप्रिशिएट होती है क्योंकि वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में बनती है तो वो बन जाता है वर्क ऑफ आर्ट वो क्या बन जाता है वर्क ऑफ आर्ट और बाद में ये महंगे में बिकता है इमेजिन करिए आपने क्या किया एक स्निकर लिया बराबर है और स्निकर के बाद आपने क्या कर लिया उस पर एम एस धोनी का सिग्नेचर ले लिया और उसे एंटिक बना दिया आप उसे बेच रहे हैं वर्क ऑफ आर्ट यह अब महंगे में बिकेगा बात तो अगर कोई ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर वर्क ऑफ आर्ट हो गया राइट तो ये सब क्या हो जाता है बेटा कैपिटल कैपिटल गेन के के अंदर अंदर में में आता है property, के में आती है इमूवेबल प्रॉपर्टी गेन्स आती आर यू गेटिंग द पॉइंट यस कैपिटल गेन के अंदर में आती है तो ये सब चीजें क्या नहीं मानी जाएंगी पर्सनल इफेक्ट्स नहीं मानी जाएंगी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर्सनल इफेक्ट्स नहीं मानी जाएंगी और इसीलिए इनके ऊपर क्या आएगा कैपिटल गेन Yes? तो चलिए यहाँ तक की डेफिनेशन फिर से रिपीट करते हैं इसमें तीन चीजें इंक्लूड होती है कंट्रोल इंडियन कंपनी सिक्योरिटीपो दो हजार इक्कीस के बाद ली है और उसका प्रीमियम टू तो लाख फिफ्टी थाउजेंड से एक्सीड करता है एक या मल्टीपल पॉलिसी का हालांकि इसमें कुछ चीजें नहीं आती पहला रूरल एग्रीकल्चरल लैंड दूसरा दूसरा पर्सनल इफेक्ट पर्सनल इफेक्ट में से कुछ चीजें एक्सक्लूड होंगी जड़पास ज्वेलरी आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन ड्रॉइंग पेंटिंग एनी वर्क ऑफ आर्ट एंड स्कल्पचर्स ठीक है तीसरा स्टॉक इन ट्रेड बोलो बेटा स्टॉक इन ट्रेड को बेच करके पीजीबीपी पी आना चाहिए कैपिटल गेन आना चाहिए पी, पी। इसीलिए स्टॉक को कैपिटल एसेट से बाहर रखा गया है राइट right? क्योंकि स्टॉक बेच के जो इनकम आएगी वो पीजीबी पे में चाहिए और चौथा है कुछ बॉन्ड सेंट्रल गवर्नमेंट हर बार नोटिफिकेशन के थ्रू किसी किसी class क्लास और क्लासेस ऑफ बॉन्ड को कैपिटल एसेट से बाहर कर देते मतलब उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लेते यस yes, इसके अंदर की कुछ लिस्ट एंड हाफ परसेंट गोल्ड बॉन्ड सेवन परसेंट गोल्ड बॉन्ड नेशनल डिफेंस बॉन्ड अभी कोई ये वर्क नहीं कर रहे अभी सिर्फ एक ऐसा बॉन्ड है वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड

बरे बरे। और आपने इसको पूरा का पूरा उठा के एक साथ सेल कर दिया टेक्निकली लैंड आपकी लॉन्ग टर्म डिनोट कर रही है और बिल्डिंग आपकी शॉर्ट टर्म डिनोट कर रही है सोच करके देखिए लैंड आपकी लॉन्ग टर्म डिनोट कर रही है जबकि बिल्डिंग आपकी शॉर्ट टर्म तो कैलकुलेशन हैज टू बी मेड सेपरेटली कैलकुलेशन हैज टू बी मेड सेपरेटली एंड दैट इज सी आर सुब्रमण्यम ने कहा कि फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन लैंड एंड बिल्डिंग इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एसेट

ऑन द नेक्स्ट पेज ट्रांसफर का डेफिनेशन कवर है ट्रांसफर अगेन एक इस तरह की डेफिनेशन जो एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी बराबर है पर हमें लगता है ट्रांसफर का मतलब सिर्फ सेल होता है वेर एज ट्रांसफर का मतलब सिर्फ सेल नहीं होता ट्रांसफर का मतलब सिर्फ सेल नहीं होता इनमें से अगर कोई भी एक्टिविटी हुई और अगर उसमें पैसा मिला तो इस पर कैपिटल गेन टैक्स आएगा

बराबर है अब बात समझना यहां मैंने अपनी लैंड दी और एक्सचेंज में मुझे क्या मिला अमाउंट मिला कंसिडरेशन मिला दैट इज ऑल्सो लाइबल टू कैपिटल गेन समझ में आ रही है बात दैट इज ऑल्सो लाइबल टू कैपिटल गेन तो एक्सचेंज इज ऑल्सो लाइबल आपने कभी देखा अपनी मम्मी गोल्ड देती नया गोल्ड ले लेती वेदर दैट इज ऑल्सो लाइबल टू कैपिटल गेन यस मम्मी टैक्स नहीं भरती वो अलग बात है इसीलिए देखिए मम्मी जब कंसिडरेशन लेगी वो कैश में लेगी समझ तो मारी बात मम्मी इसका कंसिडरेशन हमेशा क्या मिलेगी कैश या बदले में जो पैसे देती रहेगी ऊपर के एक्स्ट्रा वो हमेशा कैश में देगी मम्मी चेक करना मम्मी उसको ऑनलाइन नहीं देती वो जबरदस्त तो कैश में दिया जाता है या तो पप्पा अपने जेब से उधर निकाल के तुरंत हाँ ये डिफरेंस है ना ये पकड़ के कैश दे दे वो टेक्निकली आपके घर का ब्लैक मनी है जो वहाँ जा रहे हैं है तीसरा रेलिंक्विशमेंट ऑफ राइट ये रेलिंक्विशमेंट ऑफ राइट क्या होता है ऑफ राइट right का मतलब खुद होकर के अपने अधिकार छोड़ देना तो इस पर अगर आपको कोई बेनिफिट मिला है इस पे भी कैपिटल गेन टैक्स आता है फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में अपना एसेट ट्रांसफर कर देता है जनरल एंट्री क्या पास होती है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल यस अब आपका असेट बना वो या फॉर्म्स असेट बन गया फॉर्म्स असेट बन गया यू हैव रेलिंक्विस्ड योर राइट टू फॉर्म

कर दिया नॉन कैपिटल बना दिया इसको, तो इस मोमेंट पे कैपिटल गेन टैक्स आएगा मेचोरिटी इन रिडम्शन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड ये तो हमें भी पता है अगर कोई बॉन्ड है जिस दिन रिडम्शन होगा इट इज लाइबल टू कैपिटल गेन एनी ट्रांजेक्शन ऑन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एज पर टोपा वट इज टोपा एनी ट्रांसफर इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द टोपा अब इसका मीनिंग क्या होता है देखिए डीके ने एक फ्लैट लिया विजय ने बोला भाई ये फ्लैट मेरे को दे दे और विजय ने वॉट एवर इज द कंसट्रेशन डीके को पे कर दिया विजय ने बोला रजिस्ट्रेशन बाद में कराएंगे मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा हूं वोकट मैं अभी रजिस्ट्री कर रहा हूं मेरा स्टैंड ड्यूटी दू रादर तेरे को अभी बेचना है तो तू मेरे को बेच दे रजिस्ट्रेशन रहने दे मैं जिस टाइम बोलूंगा उसके नाम पे सीधे रजिस्टर करना इतने में आरजे आया जेब में हाथ डाल के आरजे आया आरजे बोलता भाई मेरे को फ्लैट चाहिए विजय बोलता ठीक है भाई मैं बेचने को रेडी हूं रेडी हूं अब मैंने डीके को बोला डायरेक्टली रजिस्टर किसके नाम पर आरजे डीके को बोला डायरेक्टली रजिस्टर किसके नाम पे कर आरजे मैंने बोला कि डायरेक्ट रजिस्ट्री किसके नाम पे कर बोल बेटा आरजे नाउ अंडरस्टैंड दिस कैपिटल गेन टैक्स किसको आएगा प्रॉपर्टी दिख किसके नाम से रही है आरजे को कैपिटल गेन टैक्स आया झंडू खरीद रहा है वो प्रॉपर्टी खरीदे और कैपिटल गेन भी खुद ही भर दे सुनिए कैपिटल गेन प्रॉपर्टी बेचने पे आता है खरीदने पे नहीं हाँ तो अब बताइए यहां पे होना किसको चाहिए विजय क्योंकि विजय यहाँ पे कौन है डीम्ड ओनर बराबर है कि नहीं पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन किसके नाम से है डी के बरबर है तो ऐसे केस में लॉ ने क्लियर किया अगर आपने ट्रांजैक्शन किया है पार्ट परफॉर्मेंस पार्ट परफॉर्मेंस का मतलब आपने कंसिडरेशन देके आपने ले लिया कंट्रोल ले लिया पर रजिस्ट्री कराई नहीं दैट्स कॉल्ड एज पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बराबर है तो भी जिसने ये पार्ट परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट किया है वो कैपिटल गेन टैक्स के लिए ट्रांसफरर माना जाएगा लाइबल टू कैपिटल गेन होगा

इस फ्लैट में मान के चलो बबीता जी रहती है बराबर बबीता बर। जी जेठालाल आया जेठालाल आया जेठालाल बबीता जी को बोलता है मुझे आपका फ्लैट चाहिए मुझे आपका फ्लैट चाहिए आप फ्लैट बेचने के लिए रेडी है क्या नाउ अंडरस्टैंड कोई भी जो फ्लैट सिस्टम होता है ना ये क्या होता है बेटा को ऑपरेटिव सिस्टम होता है डू यू अग्री ये जो भी फ्लैट सिस्टम होता है ये कोऑपरेटिव आप प्रेस्टीज को देख लीजिए इट्स अ कोऑपरेटिव कोई भी, के अंदर में, जब भी किसी पर्सन का बबीता जी यहाँ की ओनर नहीं होती बबीता जी यहाँ की क्या होती है मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये सोनो राइट वो ओनर नहीं होते ओनर जो होता है वो ऑन पेपर किस कौन होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी

क्या बेटा कैपिटल असेट कैपिटल क्या होना चाहिए बेटा ट्रांसफर बराबर अब तीसरा रजिस्टर में जाइए कैपिटल होना चाहिए कैपिटल ट्रांसफर टू फोर्टी सेवन के तहत यस फिर क्या राइज होना चाहिए गेन क्या राइज होना चाहिए गेन राइज होना चाहिए ठीक है सर है? गेन राइज होना चाहिए कभी कभी खुशी दभी गम गलत आवाज मत निकाल गेंद गेन कितने प्रकार के दो पॉजिटिव और निगेटिव अंडरस्टैंड जब आप इस चैप्टर में जरूरी हमेशा आंसर पॉजिटिव में आए निगेटिव गेन इज ऑल्सो अगेन जिसको हम कहते हैं लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन सेट ऑफ में ऑलरेडी पढ़ लिया ठीक है लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया ठीक है तो गेन जो होंगे ना बेटा ये कितने प्रकार के होंगे दो एक होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और दूसरा होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट को सेल करके जो गेन आएगा वो आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट को सेल करके जो गेन आएगा वो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बराबर है तो पहले हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट समझने होंगे यस अच्छा जी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट अच्छा यहां पे एक बात करिए या तो शॉर्ट है या तो लॉन्ग है मिडल तो है मिड साइज है, है ऐसा कुछ नहीं है यूजलेस फाइनेंशियल एसेट्स स्पेशल एसेट्स other assets सर एसेट्स में बिगाड़ रहे हो मैं चलो एसेट्स को मेजरली तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है पहला फाइनेंशियल एसेट दूसरा स्पेशल एसेट्स तीसरा अदर एसेट्स ठीक है सबसे पहले ये समझते हैं फिनेंशियल एसेट्स क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं फिनेंशियल एसेट्स क्या होता है नोट्स में पढ़ना है अननेसेसरी चीजों को क्यों लिख रहे हो बराबर है ना आ जाओ फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं एक शब्द में समझो शेयर्स डिबेंचर्स लिस्टेड खत्म एक पहले शब्दों में समझ लो फाइनेंशियल एसेट्स मतलब क्या लिस्टेड शेयर्स लिस्टेड डिबेंचर लिस्टेड यूनिट्स एक्सेट्रा

स्पेशल असेट की कैटेगरी में दो ही है इमूबल प्रॉपर्टी अनलिस्टेड शेयर तो अगर फाइनेंशियल एसेट्स आपने होल्ड किया देखिए गेन लॉन्ग होगा या शॉर्ट ये इसके प्राइस पर डिपेंड नहीं करता गेन लॉन्ग होगा या शॉर्ट ये इसके साइज पर डिपेंड नहीं करता ये डिपेंड करता है आपने कितने देर होल्ड किया उस एसेट को बराबर <laughs> है तो लॉन्ग होगा या शॉर्ट होगा ये क्लियर कट डिपेंड करेगा आपने कितने देर होल्ड किया ज होल्डेड फॉर ट्वेल्व मंथ्स और लेस ये मंथस मिनिट वगैरह मत पकड़ना। पकड़नाफ इट इज होल्डेड फॉर ट्वेल्व मंथस और लेस अगर ये बारह महीने या उससे कम होल्ड किया गया है तो इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट माना जाएगा राइट स्पेशल असेट की कितनी कैटेगरी है दो पहला इमूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी दूसरा अनलिस्टेड शेयर्स होल्डेड फॉर ट्वेंटी फोर मंथ्स और लेस होल्डेड फॉर ट्वेंटी फोर मंथ्स और लेस सर हमारे घर वाले सुन रहे हैं, कृपया मेरा लेक्चर सामूहिक तरीके से ना देखें घर वर पे ये वो क्या मैं स्पेशल प्रोविजंस बताता रहता हूँ बिल्कुल अकेले में चुपचाप कान में इयरफोन डाल के ही सुने बराबर है? अदर एसेट्स होल्डेड फॉर होल्डेड फॉर थर्टी सिक्स मंथस और लेस बराबर है तो चलिए अगर एसेट्स को आपने इतने पीरियड के लिए होल्ड किया तो वो शॉर्ट रहेगा एल्स वो क्या बन जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स तो चलो फाइनेंशियल देखो याद रखने का सिंपल तरीका बारह 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 दूनी चौबीस बारह छत्तीसियल कितने होल्ड करना है ट्वेल्व मंथ और लेस इमोबल प्रॉपर्टी और अनलिस्टेड शेयर ट्वेंटी फोर मंथस और लेस एंड अदर असेट्स को थर्टी सिक्स मंथस और लेस ये यही इफ फाइनेंशियल असेट होल्डेड फॉर मोर देन ट्वेल्व मंथ्स इफ स्पेशल एसेट्स होल्डेड फॉर मोर देन ट्वेंटी फोर मंथ्स इफ Other assets holded for more than thirty six months. इज डन चलो तो गेन गेन दो प्रकार के हैं कौन सा बेटा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन कितने प्रकार के बेटा दो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्योंकि को ही हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिपेंडिंग अपॉन देयर होल्डिंग पीरियड हम ये डिसाइड करते हैं कैपिटल गेन का नेचर क्या होगा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इधर आइए देखिए यही चीज यहां पे लिख के रखी है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के होल्डिंग पीरियड्स यस शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के होल्डिंग पीरियड्स अच्छा अब एक और बात बताइए अब एक और बात बताइए इधर देखिए पे शॉर्ट टर्म एंड अदर चीज़ें लिखी हुई है लॉन्ग टर्म भी यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है वही चीज लिखी हुई है अब मुझे एक बात बताइए ये जो पीरियड है इसे काउंट कैसे किया जाता है ये कई पे डिपेंड करती है इट्स सिंपली डिपेंड्स अपॉन पोहा इज पोहा पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट्स

मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूं पीरियड ऑफ होल्डिंग डिटरमाइन करने का यह तरीका ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम में यूज होगा इनफैक्ट फाइनल में भी और जीवन भर यूज होने वाला है आपको ये yes नो no? तो आज ही मैं पढ़ा दू फाइनल में मेरे को वापस पढ़ाना है उससे पहले मैं आज ही आपको पढ़ा दू डिपेंड्स अपॉन होल्डिंग पीरियड अब होल्डिंग पीरियड मुझे एक बात बताइए सपोज कीजिए कैपिटल एसेट है दिस इज अ कैपिटल एसेट गोल्ड का एक बॉटल है नाउ अंडरस्टैंड करिए कैपिटल एसेट विजय के पास कैसे आया होगा दो ही तरीके हैं एक या तो विजय ने ईमानदारी से इसे परचेस किया होगा या तो विजय ने इसे क्या किया होगा परचेस किया होगा तो पहला सिचुएशन क्या है इफ एनी असेट इज विथ विजय देर आर ओनली टू सिचुएशन विजय इधर हैज परचेज इट और विजय विजय हैज रिसीव्ड इट अंडर अ गिफ्ट विल इनहेरिटेंस और अदर मोड गिफ्ट में आ सकता है विजय को विल में आ सकता है विजय को इनहेरिटेंस में आ सकता है विजय को अदर मोड हो सकता है अमलगमेशन डी बिजनेस रिओर्गेनाइजेशन में उसके पास आया हो नो प्लीज डोंट मी दैट आंसर सर चोरी करके भी तो ला सकता है अगर ऐसा कुछ लाया है आप उसको शो करोगे क्या बुक्स में नहीं अंडरस्टैंड यू विल यूज इट एटसेट्रा एटसेट्रा बट आप उसको बुक्स में शो नहीं करोगे तो डोंट मेक एन इन लॉजिकल पॉइंट राइट नाउ राइट तो विजय के पास असैट कितने तरीके से आ सकते हैं दो परचेस दूसरा गिफ्ट विल इनहेरिटेंस गिफ्ट विल इनहेरिटेंस और अदर मोड गिफ्ट विल इनहेरिटेंस और अदर मोड बराबर है पहला अगर असेट परचेज किया है तो पोहा कैसे काउंट करेंगे डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ ट्रांसफर कंप्लीटेड ईयर्स कंप्लीटेड मंथ्स यस अगर असेट परचेस किया है तो डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर डेट ऑफ ट्रांसफर तक का पूरा पीरियड आपका होल्डिंग पीरियड में काउंट होगा ओनली कंप्लीटेड मंथ्स विल बी काउंट ओनली ड so let's विल बी काउंटेड और पांच दिन होंगे आप उसे चार महीने ही काउंट करेंगे के के लिए capital gain, computation के लिए. ठीक है अगर गिफ्ट विल या इनहेरिटेंस में मेरे डैड ने परचेज किया 2015 में मुझे दिया 2023 के अंदर में मैं सेल कर रहा हूँ तो होल्डिंग पीरियड टू से काउंट होगा दैट इज होल्डिंग पीरियड ऑफ असेसी प्लस होल्डिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस ओनर सर पप्पा को भी उनके पप्पा से मिला होगा प्रीवियस ओनर से काउंट होगा मतलब एनी नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर राइट सपोज मेरे दादाजी ने 1965 में लिया पप्पा को 2005 में दिया होगा 1965 से लेकर 2024 तक का पूरा होल्डिंग पीरियड माना जाएगा 2023 तक का पूरा होल्डिंग पीरियड माना जाएगा सीधे शब्दों में होल्डिंग पीरियड 36 मंथ से ऊपर चल जा रहा है प्रॉपर्टी क्या बन गई लॉन्ग टर्म

तो पोहा कैसे निकालेंगे होल्डिंग पीरियड ऑफ एस एस सी प्लस होल्डिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस ओनर होल्डिंग पीरियड ऑफ एस एस सी प्लस होल्डिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस ओनर तो चलिए सेक्शन 45 के अंदर में कितने वर्ड थे चार कैपिटल सेट होना चाहिए ये कैपिटल क्या होना चाहिए बेटा ट्रांसफर होना चाहिए गेन होना चाहिए और ये गेन एग्जाम नहीं होना चाहिए मतलब इसमें एक ही वर्ड बचा बराबर है मैं इस वर्ड को अभी हाल फिलहाल में, में मेरे जेब में रख रहा हूँ एग्जाम वर्ड को और मैं सेक्शन फोर्टी से निकल के नेक्स्ट सेक्शन में चल रहा हूँ द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन फोर्टी मतलब सेक्शन 45 का मैंने सिर्फ एक वर्ड नहीं पढ़ा कौन सा बेटा एग्जाम सेक्शन 48 मुझे क्या देता है बेटा कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन बराबर है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन एनी वन पहले बताओ गेन कितने नेचर के बन सकते हैं दो पहला बनेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दूसरा बनेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बराबर है कि नहीं कैपिटल yeah. गेन का फॉर्मेट देखिए पूरे इनकम टैक्स में सिर्फ दो ही ऐसे एड है जहां पे फॉर्मेट है या तो एचपी या तो कैपिटल गेन बराबर है इन फॉर्मेट को इन प्रॉब्लम्स को इसी हिसाब से सॉल्व करना पड़ता है सबसे पहला वर्ड मिलेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बराबर है ये पूरा ही लिखना पड़ता है एफ कृपया ना लिखें फॉर्मेट हाँ, बनाते वक्त शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त एफ लिखे लेकिन एग्जाम में आप इसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ही लिखेंगे ठीक है तो सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से माइनस होगा एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस होगा माइनस करने पे आपको मिलेगा नेट कंसिडरेशन नेट कंसीडरेशन में से इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगा सॉरी शॉर्ट टर्म है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगा और इसी में से कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी माइनस होगा ये बनेगा आपका टर्म कैपिटल गेन इसमें से क्या माइनस करेंगे बेटा एग्जामिशन 54b 54d 54g 54ga तो शॉर्ट टर्म में आपको लेडी गागा की बहन मिलेगी बी डी गगा, दी दी गगा। लेडी गगा की बहन कौन बीडी गगा। तो शॉर्ट टर्म में चार ही एग्जामेशन मिलते लेडी गगा की बहन बीडी गगा। चलो तो फॉर्मेट क्या है सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अरे रुक जा इस फॉर्मेट को तू सीधे शब्दों में पढ़े तो पी एन एल को वर्टिकल फॉर्मेट में डाला है कितने में बेचा इमेजिन एक प्रॉपर्टी सेल किया कितने में बेचा इसमें से बेचने पे कितने खर्चे हुए माइनस खरीदने पे कितने खर्चे हुए माइनस इस प्रॉपर्टी पे आज तक क्या क्या इंप्रूवमेंट किया वो माइनस जो बचा वो क्या बचा बेटा नेट गेन समझ में बात तो और कुछ नहीं कर रहा तू पीएनएल को ही वर्टिकल फॉर्मेट में उठा के लिख दे रहा कितना मिला इसमें से कितना मैंने लगाया जो बचा वो क्या बचा नेट गेन समझ में आई बात अब बताइए लॉन्ग टर्म कैसे निकालेंगे वही सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इसमें से एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर क्या करेंगे माइनस क्या मिलेगा बेटा नेट कंसिडरेशन नेक्स्ट कंसिड नेट कंसिडरेशन इसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्सड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो आ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अब यहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाता बस इसमें से एग्जम्पशन मिलता है 54 टू 54 जीबी कितने जीबी के 54 जीबी के एग्जम्पशन तो बन जाएगा तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बराबर है एक बार फॉर्मेट को जरा जोर से पढ़ लो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर नेट मतलब लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पहला फॉर्मेट तो यही है इसमें से एक जगह कॉस्ट है दूसरी जगह इंडेक्स कॉस्ट है एक जगह कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दूसरी जगह इंडेक्स इंप्रूवमेंट है, तो आपको या मिल रहा है। और तोड़ना पड़ेगा और आपका एक एक सेक्शन क्लियर होते जाएगा तो बात? से हम एक एक वर्ड को तोड़ रहे हैं और हमारा सब कुछ क्लियर होते जाएगा सबसे पहला वर्ड इस पूरी श्रृंखला में कौन सा है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डोंट यू थिंक सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ये जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है ये कितने सेक्शन में लिखा है अब चार पहला सेक्शन 48 सेक्शन सेक्शन सी सेक्शन 50 सी ए और सेक्शन 50 डबल ये अमेंडमेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट बराबर है आपको पहला वर्ड मिला फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन चार सेक्शन में लिखा है डिपेंडिंग अपॉन द असेट्स आप सेक्शन सिलेक्ट करेंगे पहले वर्ड को ढूंढने के लिए बराबर अदर असेट्स जब लैंड एंड बिल्डिंग बेचोगे तो फिफ्टी सी लगाओगे जब अनलिस्टेड शेयर्स बेचोगे तो फिफ्टी सी ए लगाओगे जब यूनिट लिंक्ड डिबेंचर बेचोगे तो फिफ्टी डबल ए लगाओगे अगर लैंड बेच रहे हो फिफ्टी सी लगाना अगर अनलिस्टेड शेयर्स बेच रहे हो फिफ्टी सी ए लगाना अगर यूनिट लिंक्ड डिबेंचर बेच रहे हो फिफ्टी डबल ए लगाना बाकी सब केस में फोर्टी एट लगाना बराबर है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब हम कितने रुपए लिए किसी एसेट को बेच करके हम उसे कहते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अब जरा सोच करके देखिए बराबर है ये हमारी गोल्ड की बॉटल थी एग्जाम्पल पे रिपीट करते हैं लॉ को सेंसिबली समझो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बराबर है ये मेरा गोल्ड का बॉटल था अरे हाँ यहाँ हाँ जल्दी बोलो गोल्ड का बॉटल था ये गोल्ड का बॉटल मैंने दुकानदार को दिया दुकानदार मेरे को दो ही चीज दे सकता एक या तो पैसा या तो मैं इसके बदले में कोई दूसरा नया गोल्ड का बॉटल ले ले छोटा बड़ा इसके बदले में मैं कोई दूसरा गोल्ड का बॉटल ले ले दिस आर द ओनली टू ट्रांजेक्शन विच आर डन एवरीबॉडी या तो मेरे को इसके बदले में पैसा मिलेगा या तो मैंने एक्सचेंज करके कुछ काइंड में ले लिया यानी कहना कंसिडरेशन फॉर दैट ट्रांसफर इज ओनली टू इधर इन कैश और इधर इन काइंड अगर कैश मिला तो जितना मिला उतना ले लेने का काइंड में मिला तो क्या लोगे अगर काइंड में मिला मैंने गोल्ड देके गोल्ड ले लिया मार्केट वैल्यू क्योंकि उसने भी जो मेरे से गोल्ड परचेस किया होगा वो मार्केट वैल्यू पे ही लिया होगा ना अरे एवरीबडी उसने जो मेरे से गोल्ड लिया होगा वो मार्केट वैल्यू पे लिया होगा ना तो फेयर मार्केट वैल्यू विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्योंकि नए गोल्ड के अगेंस्ट में उतना ही प्राइस उसने एडजस्ट किया होगा यस yes, तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन फोर्टी एट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर अदर एसेट्स या तो ये केस में हो सकता है या तो ये केस में हो सकता है या तो ये काइंड में हो सकता है कैश में दिया तो एक्चुअल काइंड में दिया तो सेक्शन फिफ्टी डी बोलता है टेक केयर मार्केट वैल्यू टेक केयर मार्केट वैल्यू सेक्शन फोर्टी एट खत्म बराबर कंसिडरेशन कैसे निकलेगा कंसिडरेशन निकल सकता है कंसिडरेशन निकल सकता है या तो कैश या तो फाइन क्लियर है आता है फिफ्टी सी केस ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर लैंड बिल्डिंग और बोथ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर लैंड बिल्डिंग और बोथ बराबर? अब सुन अगर तूने लैंड एंड बिल्डिंग को इन्वेस्टमेंट बोल के होल्ड किया है यू अप्लाई सेक्शन 50 सी कैपिटल गेन यू अग्री कुछ लोगों के लिए लैंड एंड बिल्डिंग ट्रेड भी तो हो सकती है चलता है तुम्हारा अरे बिल्डर के लिए वो स्टॉकिन ट्रेड है ना भाई और स्टॉक इन ट्रेड है मतलब कैपिटल असेट नहीं है कैपिटल असेट नहीं है मतलब कैपिटल गेन नहीं आ सकता तो ऐसे केस में कौन सा सेक्शन लगाएंगे फोर्टी थ्री सी ए पीजीबीपी में एक सेक्शन पढ़ा जाता है फोर्टी थ्री सी एक्सैक्ट इस सेक्शन का रिप्लिका है यहां पढ़ लिया तो बीजीबीपी में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती समझ में आ रही एग्जैक्ट एक्जेक्ट रिप्लिका सिर्फ एक डिफरेंस है यहाँ हम उसको कैपिटल असेट बोल के होल्ड कर रहे वहां हम उसको होल्ड कर रहे हैं एग्जैक्ट ट्रिप्लिका है एक जगह पढ़ लिया दो जगह का काम खत्म हो जाएगा कल का थोड़ा सा इंटरलिंक करके पढ़ाओ हा यहा चलो सुनो सुन रहा है ना तू या सो रहे हो तुम बेटा नींद तो पूरी कर लोगे सपने अधूरे रह जाएंगे हाँ बहुत डीप था सुन तो गया तो नींद तो पूरी हो जाएगी सपने अधूरे रह जाएंगे हाँ वो चेयर पे चेर है चेयर इनविजिबल है सुनो अभी एक बंदा कौन होगा बेटा सेलर एक बंदा कौन होगा बेटा बायर ठीक है अब मैं आपको पूरा ट्रांजैक्शन समझाने जा रहा हूं जिसके कारण आपको बहुत क्लियर जाएगा। थोड़ा सा प्रोविजन बाय प्रोविजन वर्ड्स डाले गए सेक्शन में क्योंकि इंपॉर्टेंट है मैंने पहले बोल दिया। प्रोविजन प्रोविजन समझ में आएगा। तो अस अंडरस्टैंड हम किस तरीके से प्रॉपर्टी को बाय करते हैं हाउ वी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली तो मान के चलिए कि आप सभी लोग प्रोफेशनल बन गए और आप पहली बार अपने मम्मी डैड से छुपा के उन्हीं के लिए एक टू बी के लेना चाह रहे हैं ठीक है अब आप सोचते हो कि यार रफली मैं एक सेवेंटी लाख टू एटी लाख का बजट लेके चलता हूँ बीस लाख का उस पर इंटीरियर मारूंगा एक करोड़ तक का मैं एक्सपेक्टेशन लेकर के चलता हूँ एक बड़े शहर में ठीक है अब मैं पुणे में एक करोड़ तक का घर इमेजिन करता हूँ कहाँ बेटा पुणे के अंदर में टू बी अब एक करोड़ तक का घर लेना है सर क्या मैं अफोर्ड कर पाऊंगा बड़े आराम से मिनिमम नौ लाख का पैकेज है सोच ले कितना टाइम लगेगा तेरे को बराबर है सोच के देख ले कितना टाइम लगेगा तेरे को बराबर है कि नहीं है राइट ऐसा नहीं होगा तेरे अदर खर्चे नहीं होंगे पर तू फिर पूरे नौ लाख रुपये घर में थोड़ी ना लेगा तू तो ई के थ्रू पे करेगा तू जान मुझ के बैंक लोन लेगा इसलिए बिकॉज इंटरेस्ट इज अलाउड एज रिडक्शन इन ट्वेंटी फोर बी एंड प्रिंसिपल इज अलाउड अंडर एटीसी घर लोन एक ऐसा लोन है जिसको कभी रिपे नहीं करना चाहिए आपको बात समझना मेरा सर मेरे ऊपर घर के लोन है मेरे तीन से चार घर के लोन मेरे ऊपर चालू है एक कुछ तीस एक लाख रुपए का है एक कुछ चालीस एक लाख रुपए का है एक कुछ सिक्सटी एक लाख रुपए इसका है और एक तो है पंद्रह लाख का चारों लोन चालू है मेरे अपनी क्या है इतनी इनकम तो है नहीं बात समझ रहे हैं आप चारों लोन चालू है मैं ये लोन कभी रिपे नहीं करने वाला आप समझ रहे हैं क्या अबे लोन नॉट I mean, विजय माल्या रे बेवकूफ बेवकूफी है होम लोन रिपे करना पूछो क्यों होम लोन क्योंकि एक आम आदमी के घर की बात है दुनिया में सबसे सस्ता रेट होम लोन का है इससे सस्ता कोई नहीं मिल सकता इमेजिन कर तेरे को बैंक एक करोड़ रुपए देगा लोन बोल करके और इसमें साल भर का इंटरेस्ट आठ लाख रुपए आठ चल नौ पकड़ नौ लाख रुपए लाख रुपए साल भर में तेरे को एक करोड़ मार्केट में यूज करने मिल रहा तेरा खुद के जेब का भी एक करोड़ है ना बेवकूफी करने का ही नहीं एक करोड़ रुपए लेने का वो तो एक करोड़ रुपए किधर इन्वेस्ट करने का समझ में आया मम्मी के नाम से एफ बनाने का एफ का इंटरेस्ट ही नौ परसेंट आ जाता इधर का नौ आया इधर यूज करने का डिडक्शन लेने का तीन पेटी का वो अलग समझना है क्या डिडक्शन लेने का वो अलग और मैं तो एक और बात बोलता हूँ पूछो क्या अपन ने आज तक तो कैसा नहीं किया, अपन सिर्फ बता रहे मार्केट में कैसा होता समझना मैं तो एक और बात बोलता हूँ क्या करने का मालूम है क्या सुनो आपने घर ले लिया बराबर मम्मी के नाम से घर लेने का तुमको टैक्सेशन नहीं आता बाद में विल में प्रॉपर्टी मिलेगी इंडेक्स कॉस्ट बढ़ के मिलता समझना है क्या तुम्हारा टैक्स सीधा वर्ड करने का सीधा तरीका बताता हूँ देखो अभी क्या करने का मम्मी के नाम से प्रॉपर्टी लेने का सीनियर सिटीजन है मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता और एफ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल जाता बरेबर वो लेने का तुमने इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता एफ का पैसा इधर जो इंटरेस्ट में जा रहा है वो इधर से रिकवर हो रहा है इंटरेस्ट का इनकम ये सो नो अब तीसरी चीज वही घर तुमने किराए पे लेने का मतलब मम्मी की प्रॉपर्टी बन गई लेट प्रॉपर्टी, ओल्ड स्कीम हो या स्कीम हो इंटरेस्ट ऑन बॉर्ड कैपिटल का डिडक्शन मिल रहा है अरे बात का मिल है? मम्मी को इंटरेस्ट ऑन बॉर्ड कैपिटल का डिडक्शन मिलेगा प्लस स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा प्लस प्रिंसिपल का डिडक्शन भी मिलेगा तुम जॉब पे हो एचआरए क्लेम करो ना क्या क्लेम करने का? तुमने क्या करने का एचआरए क्लेम करने का विन विन सिचुएशन फॉर अ फैमिली विन विन सिचुएशन फॉर अ फैमिली निंजा टेक्निक बोलते इसको सुनो अब सेलर जो है सेलर क्या करेगा डोंट यू थिंक सो सेलर सेल करेगा अब ये सेलिंग होता है मतलब क्या होता है तुमने तुम्हारा घर सिलेक्ट कर लिया आप, अब तुम क्या करते हो सबसे पहले वो ब्रोकर को बोलते हो देख भाई मेरे पास टाइम नहीं है मेरे को ऑफिस जाने का है तू मेरे को ये 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 स्पेसिफिकेशन वाला घर ढूंढ के दे भाई एक सोसाइटी होना चाहिए सीनियर सिटीजन होना चाहिए थोड़ा सा पूल होना चाहिए गार्डन होना चाहिए पार्किंग होना चाहिए वट रिक्वायरमेंट आप बोलते हो ब्रोकर इसके हिसाब से अपने एरिया में ढूंढता है और आपको बोलता है सर सैटरडे संडे के दिन आ जाओ अपन ढूंढ लेते हैं आप जाते हो अपनी फैमिली को लेकर के आपको एक घर पसंद आ गया मान करके चल लो अब आप बोलते हो कि ठीक है ओनर से मीटिंग करा मेरी ठीक है मैं ब्रोकर बीच में बोल रहा हूं एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनिए ये लॉ कैसे बना वो आपको समझ में आएगा क्योंकि हम तीन सेक्शन एक साथ डिस्कस कर रहे हैं टी भी कैपिटल गेन भी आई एफ भी एंड अदर पार्ट भी तो सुनते रहना इसमें का एक भी पार्ट वेस्ट नहीं है अब आप ब्रोकर को पकड़ते हो ब्रोकर को बोलते हो मेरे को सेलर से आज ही मिला सेलर से मिलते हैं सेलर बोलता है भैया एक करोड़ में बेचूंगा बराबर है वो लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई करना चाहता है प्रोडक्ट विल बी सेटल एट हायर प्राइस पर तुम तो लॉ ऑफ डिमांड पे बैठे हो तुम तो कंज्यूमर हो बराबर है कि नहीं तुम कम रेट में परचेस करना चाहोगे तुम्हारा चालू होता निगोसिएशन तुम्हारा क्या चालू होता निगोसिएशन अब आप वो बोलता कि नहीं नहीं ये अच्छा है आप बोलते नहीं ना भैया वो प्रॉपर्टी में वो खराब था मेरे को वो भी कराना पड़ेगा उधर साफ सफाई करानी पड़ेगी पेंटिंग निकल गया पूरा पेंटिंग करानी है पड़ेगी ठीक है सीट्स सी ये हो गई फर्नीचर बनाना है बहुत कुछ है सर आप थोड़ा सा कम करो कहीं ना कहीं बैठ बैठ के निगोसिएशन आया नाइन्टी लैक्स पे निगोसिएशन क्या पे आया नाइन्टी लैक्स सैलर इज सेलिड

इसीलिए आप व्हाइट ब्लैक की डील करते हो यहाँ पे तो आपको पता चलता है एक बार गवर्नमेंट वैल्यू देख लेंगे जितना गवर्नमेंट वैल्यू है उतना व्हाइट कर लेंगे बचा हुआ कैश इसमें दो लोगों के फायदे हैं सेलर को क्या फायदा उतना कैपिटल गेन टैक्स उसका कम लगेगा क्योंकि प्रॉपर्टी सेलर को क्या आना है कैपिटल गेन सेलर को क्या आना है कैपिटल गेन तो सेलर को कैपिटल गेन कम लगेगा क्योंकि ऑन डॉक्यूमेंट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कम दिखेगा बराबर है बायर को क्या फायदा कैश देख के बायर को यह फायदा है क्योंकि बायर को स्टैंप ड्यूटी देना पड़ता है वो भी गवर्नमेंट वैल्यू पे बेस्ड होती है वो भी किस पे बेस्ड होती है गवर्नमेंट वैल्यू अब 90 लाख की 7 परसेंट देना और 60 लाख पे 60 परसेंट देना क्या समझदारी है बराबर है इसीलिए देखिए जब भी आपके घर पे कोई प्रॉपर्टी बाय या सेल होती है ना कैश का व्यवहार बहुत ज्यादा होता है ये उसका लॉजिक है तो अब हमको नब्बे लाख रुपए में सेल करना है जिसके दो पार्ट बने एक बना साठ लाख रुपए जो व्हाइट में जाएगा विच इज अ गवर्नमेंट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बोला जाता है और फोर्टी लाख रुपीज का देंगे कैश स्टॉप अब क्या होता है पूरी बात सुनते जाइए एक एक करके बराबर है अब आप और मैं हैं अपनी नब्बे लाख रुपए की बात हो गई भाई ठीक है नहीं तो नहीं से ठीक है नब्बे की बात हो गई अपनी अब नब्बे लाख रुपए की बात हो गई मतलब सोच के देखिए कल चल के ऐसा हो सकता है इसी का फ्लैट के बाजू वाला फ्लैट वाले को पता चला ये तो बेच रहे कोई भी आदमी क्या करता है जो बाजू वाला फ्लैट है वो तुरंत पहले एक्वायर करता रीजन कभी ना कभी उसका परिवार भी बढ़ेगा ही सामने के सामने प्रॉपर्टी मिल रही है उसको एक्सटेंड करने के लिए आसान हो जाता कल तो चल के इसकी पड़ोसी आ गई और पड़ोसी मेरे को बोलती है पड़ोसी ने उसको ऑफर दे दिया नाइन्टी फाइव तो मेरे हाथ से तो पूरी डील गई निगोसिएशन भी गया तो आज इसको रोकने के लिए मैं क्या करूं टोकन अमाउंट दू बोलते जाओ क्या दू मैं इसको टोकन अमाउंट और मैं आज इसको टोकन अमाउंट दे करके अपना काम यहीं रोक लू तो अब मैं बोलता हूँ चलो नब्बे लाख डन तो मैं निकालता हूँ चेक और चेक साइन करता हूँ नौ लाख रुपए का मार्केट में जनरली दस परसेंट तुरंत देते हैं इसलिए मैंने नौ लाख बोला मैं तुरंत नौ क्या मैं तो उल्टा ग्यारह दे दूंगा पैसे तो देने ही है मेरे को समझ में आ रही है बात। तो ग्यारह लाख का चेक बनाया जाता है शुभ शकुन सर ये लो अब वहीं कुछ बातें लिखी जाती है ब्रोकर के सामने ताकि क्लैरिटी रहे बराबर ब्रोकर के सामने लिखा जाता है फलाना फलाना व्यक्ति ने फलाने फलाने व्यक्ति को प्रॉपर्टी सेल करना है एज इज वॉट इज बेसिस इसमें दो पार्किंग भी रहेगा ये ये चीजें रहेगी सेलर ये श्योर करेगा कि म्यूनिस्पल टैक्स वो क्लियर करे आज तक का इलेक्ट्रिसिटी बिल वो क्लियर करे म्यूनसिपल टैक्स एंड अदर ड्यूज वो क्लियर करे डॉक्यूमेंट यू you नो know, लीगल इनकम्बरेंस फ्री होनी चाहिए ये इसकी जिम्मेदारी ये रफ लिखा जाता है एज ऑफ नाउ और मेरे को मेरे ऊपर जिम्मेदारी है मैं पूरा पैसा दूंगा मैं अगले तीन महीने में पूरा ट्रांजेक्शन रजिस्टर करवा लूंगा जनरली मार्केट में पूरे इंडिया में तीन महीने का टाइम मिलता है बराबर पर ये तो पेपर वाली बात हो गई समझ मारी बात कल चल के अगर बाजू वाली ने उसको 95 फाइव लैख का ऑफर दे दिया वो कोई मेरी रिलेटिव लग रही क्या पर आपने तो 9 लाख रुपए दिए ये कोर्ट में जाएंगी बोलेंगी मैंने लोन लिया था ये ले 9 लाख वापस बात समझना धंधे की बात है भाई सीधी सीधी वो पांच ज्यादा दे रही है इसको क्या मेरे से कोई विशेष प्यारा है क्या ये बोलेंगे कि भाई ये पकड़ दे रहे नौ लाख लोन लिया था दे दिया सर वापस ये झूठ बोल रहा विजय सिंपल गेम है अब विजय क्या करे इसको लीगली बाइंड करने के लिए एक अग्रीमेंट बनाया जाएगा इसे कहा जाता है अग्रीमेंट टू सेल इसे क्या कहा जाता है अग्रीमेंट टू सेल अब कुछ लोगों के दिमाग ओपन हो रहे होंगे यहाँ पे एक वर्ड आता है अग्रीमेंट टू सेल एडवोकेट को, बुलाते हैं। आप में को पूरे दे दो, के एक एक जोरोक्स दे दो मैं इसका लीगल टाइटल सर्च करवाता हूँ लीगल, लीगल दिक्कत तो नहीं है ये एडवोकेट से सर्च करवाया जाता है बराबर है इसको लीगल टाइटल सर्च बोलते हैं बराबर अब आएगी लीगल टाइटल सर्च के लिए मेरे को बोलेगी बोलेगी भैया ये डॉक्यूमेंट पकड़ो और मैं बोलूंगा लीगल टाइटल सर्च और हम एक अग्रीमेंट टू सेल बना लेते हैं ताकि रजिस्टर्ड क्लियर हो जाए कि इसने मेरे को बेचने के लिए ही नौ लाख रुपए दिए तो अगले दिन हम जाते रजिस्टर करने के लिए एक अग्रीमेंट बनाते अब यहां पे सोचने समझने वाली कुछ बात है अगर इसने अग्रीमेंट पे साइन करना है ये मेरे को क्या बोलेगी क्या कर ट्रांजेक्शन ये है ये मेरे को बोलेगी कैश पेमेंट पहले पूरा कर डोंट यू थिंक सो पूछो क्यों कल इसने अग्रीमेंट पे साठ लाख पे साइन किया हम तो ही लिखेंगे ना ब्रो अग्रीमेंट में भी कल इसने साठ लाख पे साइन किया मैं तो बोलूंगा का पूरा कैश मेरे को आज ही दे दे और मैं अग्रीमेंट टू सेल करने के लिए रेडी हूँ नहीं तो अग्रीमेंट टू सेल होता नहीं इसीलिए कैश का व्यवहार अगर है तो वो अग्रीमेंट टू सेल के पहले पूरा किया जाता है नहीं तो ये अग्रीमेंट टू सेल पे साइन नहीं करेगी

जो उसमें ही लिखा जाता है व्यवहार के हिसाब से अब ये तीन महीने की हो उसका भी एक बेस लॉजिक है क्योंकि कल चल के विजय को क्या अप्लाई करना पड़ेगा लोन लोन एक महीना ले लेगा पूरा मेरे को डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे बैंकिंग प्रोसेस इसका लीगल टाइटल सर्च होकर के आएगा अगर कोई म्यूनसिपल टैक्स अदर क्लियरेंस वाला ड्यू आ रहा है तो मैं बोलूंगा पे करके मेरे को एनओसी दे ठीक है मेरे को एन दे इलेक्ट्रिसिटी बिल अब मेरे नाम पे होना चाहिए उसके लिए एन दे वाटर बिल मेरे नाम पे होना चाहिए तो क्या दे एनओसी दे तो ऐसे बहुत सारे कंप्लाइंस होते हैं तो रफली तीन महीने दे देते हैं कि भैया तीन महीने में तू रजिस्टर कर अब तीन महीने बाद दो बातें होंगी एक मैं तीन महीने बाद इसके हाथ में चेक पकड़ूंगा बोलूंगा चला के साइन कर रजिस्टर कर बराबर है सिचुएशन नंबर दो यार थोड़ा मेडिकल इमरजेंसी आ गया पैसा बहुत उधर लग गया है पॉसिबल हो रहा है यार मेरे से आगे देना अब अगर हमारे रिश्ते ठीक है तो हो सकता है एक काम करो

कि ये जो मैंने एडवांस दिया है पूरा फॉरफिट कर ले और इसीलिए एक सेक्शन आता है सेक्शन 51 वन फॉर फ्यूचर ऑफ एडवांस देखिए आपके इसमें इंपॉर्टेंट में लिखा है क्योंकि अब वो क्यों एडवांस मेरा फॉरफिट कर लेगी सर ये तो गलत है वो मेरा एडवांस फॉरफिट कर लेगी क्या गलत है भाई उसके पास उसके बाजू वाला भी आया था उसने उसको ना बेच करके मेरे को बेचने का डील किया था समझ मारी क्या बात वो बोलेगा तूने तो लिया नहीं बाजू वाले को भी नहीं बेच पाई मैं एज अ कंपनसेशन वो क्या करती है एडवांस फॉरफिट करती है समझ में आई बात और यही चीज सेक्शन 51 में लिखी है इसीलिए 50 सी के साथ साथ 51 भी पढ़ना ज्यादा सेंसिबल हो जाता है क्योंकि ये पूरा एक साथ बात चलती है अब समझिए बीच में ब्रोकर क्या कर रहा था वो फ्री में काम कर रहा था क्या ब्रोकर क्या कर रहा था ब्रोकरेज लेगा कितना ब्रोकरेज होता है शक्ल देख के चंदन लगाने वाला धंधा है एक परसेंट होता है दो परसेंट भी होता है डेढ़ परसेंट भी होता है सवा परसेंट भी होता है पौने दो परसेंट भी होता है कुछ भी देख के चंदन लगाने वाला हिसाब किताब है समझ में आ रही बात ब्रोकरेज होता है उसके लिए का पार्ट जाता है। अब वो से भी तो जाके ब्रोकरेज लेगा देखो आपके लिए इतना तो अच्छा कस्टमर लेके आया वो सेलर से भी जाके ब्रोकरेज होता है एक्सपेंसिस ऑन ट्रांसफर से रहा है वो क्या बेटा एक्सपेंसिस ऑन ट्रांसफर पूरा लॉजिक समझ में आया सभी को अब जो अब लॉ है जरा समझिए सेलर पे कैपिटल गेन टैक्स आएगा डोंट यू थिंक डोंट यू डोंगा अंडर सेक्शन वन नाइनटी फोर आई ए इंक्लूसिविटी में पॉइंट समझ में आ रहा है क्या तो इनके हाथ में या तो पीजीबीपी आएगा या तो कैपिटल गेन आएगा टी कौन करेगा बायर करेगा

स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड हंड्रेड एंड टेन परसेंट ऑफ कंसिडरेशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यूलेशन सबसे पहला लॉ का फर्स्ट पार्ट कहता है अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कंसिडरेशन के 110 परसेंट से ऊपर हो ये क्या लफड़ा था लोग अपना स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए क्या करते थे गवर्नमेंट वैल्यू से भी नीचे के वैल्यू पे रजिस्टर करते थे स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए और सेलर कैपिटल गेन बचाने के लिए लेकिन सरकार ने कहा गवर्नमेंट की वैल्यू से वैल्यू कम ये तो पॉसिबल ही नहीं है तब जाके सरकार ने लॉ बनाया अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडरेशन के हंड्रेड एंड टेन परसेंट से ऊपर हैल्यू दस परसेंट का इधर उधर चलता है अगर आपका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कंसिडरेशन के टेन परसेंट से भी ऊपर का है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एल्स कंसिडरेशन शेल बी शल वी एक्चुअल कंसिड्रेशन कंसिडरेशन शल वी एक्चुअल कंसिडरेशन अंडरस्टैंड इज इन दिस वे मान लो कंसिडरेशन है सिक्सटी लैख टाइम ड्यूटी वैल्यू हैट विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको सिंपली एक काम करना है सिक्सटी प्लस टेन परसेंट स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 66 होना चाहिए था मिनिमम में वो है क्या नहीं तो इतना चलता है हम 60 60 ,00 मान मान लेंगे ठीक है Different. दूसरा, मान लो, consideration 60 ,00 है stamp duty value 70 ,00 है दूसरा लो 70 ऐसे केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको माना जाएगा ,00 सेवेंटी केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किस माना जाएगा 70 ,00 कोई फालतू तो क्वेश्चन मत पूछो दोनों सेम रहे तो क्या प्लीज़, यस, yes. आहो अरे आहो चलो अब इसी का दूसरा पॉइंट आता है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कब का लेना आपने लॉ तो बना दिया स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेना पर जिस दिन अग्रीमेंट हो रहा है या जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो रहा है इन दोनों के बीच में तीन महीने का गैप है डू यू अग्री डू यू अग्री इन दोनों के बीच में कितना गैप है थ्री मंथस स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कब का लेना है जिस दिन अग्रीमेंट हुआ उस दिन का या जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ उस दिन का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एज ऑन विच डेट स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जनरली क्या हो रहा है जनरली स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जनरली हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू रजिस्ट्रेशन की डेट का लेते हैं दैट इज तीन महीने बाद का हालांकि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट कैन बी टेकन इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अग्रीमेंट के डेट का भी लिया जा सकता है इफ टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड इफ टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड पहला अब देखो तुम्हें समझ में आएगा बेटा बताओ अग्रीमेंट की डेट पे क्या होता होगा कैश जाती होगी क्या लगता है सरकार को ये नहीं समझता होगा क्या क्या लगता है सरकार को नहीं समझता होगा क्या समझता है अब देखो सरकार ने लॉ क्या बनाया तुम्हें दिल में उतर जाएगा कि क्यों ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऐसी थी कंसिडरेशन इज पेड कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इज़ पेड एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट ये तो होता ही है एंड इट इज पेड बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ई सी एस अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड

पार्ट ऑफ द दंसिड्रेशन भी अगर चेक से दे दिया तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट ले पाएगा तो हमने तो आराम से कर लिया टोटल कितने का गेम था हमारा 90 लैक्स 40 कैश दे दिया इस साठ लाख में से 9 लाख हम लोग चेक से दे देंगे 9 लाख कैसे दे दिए चेक ले कंडीशन सेटिस्फाई हो गई अब तीन महीने पहले का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले ले तीन महीने बाद का तो ऑनेस्टली बढ़ावा ही होगा तीन मैंने पहले का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले ले सिर्फ एक चेक दे दे बचा हुआ कैश का व्यवहार आज भी चल रहा है इसलिए कैश का व्यवहार आज भी चल रहा है इसलिए कैश का व्यवहार आज भी चल रहा है तो लोग क्या करते हैं लोग ईमानदारी से 60 लाख रुपए में से एक लाख का भी चेक दे दिया तो एक ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल है मात्र एक लाख रुपए का चेक दे दे बचाओ पूरा चालीस लाख रुपए कैश पकड़ा दे ले ऐश कर तो मैं आपको बताऊँ क्या होता है व्यवहारिकता की बात होती है चालीस लाख के जगह किसी ने तीस लाख भी दे दिया और बोला सर फाइनल रजिस्ट्री पे दस लाख दूंगा तो भी आदमी समझ लेता है बीच का ब्रोकर फिर दोनों के भरोसे का वाला होना चाहिए कि हाँ पैसा आ जाएगा टेंशन मत लो क्योंकि क्या होता है आदमी के पास इमीडिएट कैश नहीं होता तो इस केस में व्यवहारिकता क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ व्यवहारिकता ये करते हैं सर आप दस लाख का चेक लेकर रख लो आपको भरोसा नहीं है तो बराबर है आप रजिस्ट्रेशन कर लो अगर पैसा नहीं मिले फाइनल रजिस्ट्री पे तो दस लाख का चेक लगा देना व्यवहारिकता यही बोलती है इस तरह से गेम होता है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कब का लेना स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जनरली एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कब का लिया जा सकता है बोलो जल्दी से एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट भी लिया जा सकता है अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है पहला कंसिडरेशन या पार्ट देर ऑफ उस दिन पे हो रहा है और ये वाइट में पे हो रहा है अच्छा सर तीसरा कई बार स्टैंप ड्यूटी वैल्यू डिस्प्यूट में आ जाता है कई बार स्टैंडी वैल्यू कहा जाता है डिस्प्यूट अगर स्टैंड ड्यूटी वैल्यू डिस्प्यूट में है अगर स्टैंडी वैल्यू डिस्प्यूट में है एओ कैन रेफर टू वीओ वीओ वैल्यूएशन ऑफिसर वो किसको रेफर कर सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकता है अब देख समझ कई बार एस को ऐसा लगता है कि ड्यूटी वैल्यू इस प्रॉपर्टी का ज्यादा है जबकि एक्चुअल वैल्यू इस प्रॉपर्टी का कम है ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है लेट मी गिव एन एग्जाम्पल मान लो मैंने एक प्रॉपर्टी लेके रखी थी प्रॉपर्टी के भाव बढ़ेंगे एटसेट्रा एटसेट्रा प्रॉपर्टी के बाजू ग्रेवयार्ड डिक्लेयर हो गया प्रॉपर्टी के भाव बढ़ेंगे या कम हो गए कम हो गए समझ में ही बात अब उसका गवर्नमेंट वैल्यू तो ज्यादा है पर मार्केट वैल्यू कम हो गया यस उसके बाजू डम्पियार्ड डिक्लेयर हो गया उसके बाजू क्या डिक्लेयर हो गया सी कोई भी आदमी जब घर लेता है ना वो पीस चाहता है वो क्या चाहता है पीस उसके सोचिए अगर किसी के घर के बाजू मैरिज हॉल आ जाए उसके जीवन से पीस का ही खत्म हो गया अरे वहां पे मैरिज हॉल है मतलब वहां पे क्या बजना है डीजे बजना है वहां पे क्या बजना है डीजे बजना है।, है जिसके कारण आपकी नींद हराम होनी है क्योंकि जिसके यहाँ शादी है वो तो रात में ग्यारह बजे के बाद भी डीजे बजाना चाह रहा है <laughs> आप बात समझ लो क्या <laughs> अरे डीजे अरे डीजे मेरे भाई <laughs> वो डीजे बजाना चाह रहा है ना भाई अरे जिसके यहाँ नहीं है उसका जबरदस्ती में बज रहा है ना अरे पूरा डीजे के साउंड से उसका घर बज रहा है ना जबरदस्ती में तो दे लो यार तुम लोग तुम पढ़ो वही ठीक है इफ वो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाता है अब वैल्यूएशन ऑफिसर क्या कर सकता है जरा समझना वैल्यूएशन ऑफिसर क्या क्या कर सकता है जरा समझना वैल्यूएशन इफ वैल्यू बाय वो एक्सीड्स स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऐसा पॉसिबल है ना कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू उसने और हायर निकाली फॉर एग्जाम्पल सिक्सटी लैख की जगह निकाली सेवनटी लैख अब ए क्या बोलेगा मैं कितने पे ले रहा था बेटा उसने कितने निकाली सेवेंटी अब तुम्हें बताओ क्या करो वो बोलता सर आप जो वैल्यू ले रहे हो सही है तो फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम क्या लेते हैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इफ वैल्यू बाय वो इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बट मोर देन कंसिडरेशन नहीं मालूम मेरे को खुद को नहीं मालूम क्या हो रहा है वो थक गया है बेचारा डोंट नीड अ ब्रेक डोंट नीड अ ब्रेक अब वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू निकाली वो स्टैंप ड्यूटी से तो कम है पर कंसिडरेशन से ज्यादा है वैल्यू क्या है बेटा स्टैंड ड्यूटी से तो कम है पर कंसिडरेशन से ज्यादा है तो ऐसे केस में क्या लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू वैल्यू बाय वो इफ वैल्यू बाय वो इज लेस देन बोलो बेटा कंसिडरेशन आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे बेटा एक्चुअल कंसिडरेशन फॉर एग्जाम्पल कंसिडरेशन था पचास लाख स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था लेट से फिफ्टी फाइव लैक्स और वैल्यू बाय वो निकला फिफ्टी एट लैक्स बताओ क्या लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फिफ्टी फाइव लैक्स एवरीबॉडी फिफ्टी सिक्स लैख कर दो इसको फिफ्टी सिक्स लैख कंसिड्रेशन था बेटा पचास लाख स्टैंप ड्यूटी वैल्यू था बेटा फिफ्टी सिक्स लैख वैल्यूशन ऑफिसर ने वैल्यू निकाली फिफ्टी फाइव लैख अब बोलो फुल वैल्यू ऑफ कंसिड्रेशन क्या लेंगे फिफ्टी फाइव लैक्स कंसिडरेशन पचास लाख स्टैंप ड्यूटी वैल्यू फिफ्टी सिक्स लैख वैल्यूशन ऑफिसर ने वैल्यू निकाल दी फोर्टी एट लैक्स अब बोलो फुल वैल्यू ऑफ कंसिड्रेशन क्या लेंगे फिफ्टी लैख्स ,00 अच्छे कमेंट है छोड़ो तुम धंधे पे ध्यान दो धंधे पे ध्यान दो यस चलो <coughs> ये क्लियर है बेटा सेक्शन सी ये हो गया सेकंड सेक्शन एक और सेक्शन फिफ्टी सी अब आते हैं फिफ्टी सी ए अनलिस्टेड शेयर केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेक्शन फिफ्टी सी ए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन in case of unlisted shares if fair market value exceeds consideration if fair market value exceed consideration fair market value fair market value will be वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अनलिस्टेड शेयर्स के केस में एओ के पास पावर है कि वो फेयर मार्केट वैल्यू निकाल सकता है शेयर्स का क्योंकि अब देखिए अनलिस्टेड शेयर्स के केस में ये बहुत इशू आता होगा कैसे फेयर मार्केट वैल्यू किसी को पता ही नहीं है तो टैक्स प्लानिंग कैसे होती होगी कुछ पैसा व्हाइट में बचाओ पैसा ब्लैक में समझ तो में बात दैट्स कैसा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ए डिटरमाइन करता है और अगर फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडरेशन के ऊपर चला गया तो फेयर मार्केट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ टेन परसेंट का यहाँ टेन परसेंट का कहीं कोई गेम नहीं है यस? Yes. अच्छा सर चलो आ जाओ सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल Section is not applicable to class or classes of company. नो खत्म अब आते हैं इस साल के अमेंडमेंट पे सेक्शन फिफ्टी डबल फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स एक्वायर्ड आफ्टर वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री मार्केट लिंक्ड डिबेंचर बराबर है पॉइंट नंबर वन नेचर ऑफ गेन इस केस में ऑलवेज शॉर्ट टर्म माना जाएगा तो अगर आप स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स बेच रहे हैं या मार्केट मार्केटलिंग डिवेंचर बेच रहे हैं इसका नेचर ऑफ गेन हमेशा क्या मानना है शॉर्ट टर्म यस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या माना जाएगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑन ट्रांसफर और मेचोरिटी इसमें से माइनस करना एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर क्या मिलेगा बोलो बेटा नेट कंसिडरेशन इसमें से क्या माइनस करोगे बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सुनो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सीधा सीधा क्या आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस कुछ बातें आपको बहुत अच्छे से समझनी है पहला स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हो या डिवेंचर सेल कर रहे हो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हो या यूनिट सेल कर रहे हो नेचर ऑफ गेन हमेशा क्या माना जाएगा शॉर्ट टर्म नंबर पहला याचर नंबर दूसरा नंबर दूसरा इसमें आपने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्यों माइनस नहीं किया डिवेंचर पे इंप्रूवमेंट होता क्या है ना इसलिए हमने माइनस किया तो प्लीज वो मत पूछ लेना नेचर ऑफ गेन हमेशा इसे क्या माना गया है शॉर्ट टर्म अच्छा क्योंकि मार्केट लिमिट डिवेंचर है एस टी टी पे होगा एस टी टी पेड नॉट अलाउड एज डिडक्शन एस टी टी पेड नॉट अलाउड एज डिडक्शन एज पर सेवन प्रोवाइजो टू सेक्शन फोर्टी एट एज पर सेवेंथ प्रोवाइजो टू सेक्शन फोर्टी एट एस टी टी पेड इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन सर Sir, Sir, specified mutual fund, kya hai? Mutual fund where not more than thirty five percent of total proceeds is invested in equity shares of domestic company. is that done yes में मोमेंट ओके चलो वापस फॉर्मेट में जाओ फॉर्मेट क्या था बेटा पहला वर्ड क्या था बेटा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और अब क्योंकि हमने इस ट्रांजैक्शन को पढ़ा है राइट right? हम सेक्शन 51 भी तुरंत पढ़ेंगे Section fifty-one core feature of advance upon failed negotiation of transaction of immovable property. Is it done? सुन, अब महीने बाद या तो रजिस्ट्री करवा लेगा विजय या तो वो रजिस्ट्री नहीं कर पाएगा अगर रजिस्ट्री नहीं करवाया मतलब जो हमारे बीच में निगोसिएशन हो गए ये क्या हो गए? फेल अगर निगोसिएशन फेल हो गए अगर निगोसिएशन फेल हो गए तो क्या होगा फॉरफिट हो जाएगा अब ये फॉरफीचर जो हुआ है बात समझना दादा ये फॉरफीचर जो हुआ है इसका क्या होगा अगर ये फॉरफ्यूचर डन बिफोर वन फोर टू थाउजेंड एंड फोर्टीन तो इसे क्या करना पड़ता था रिड्यूस करना पड़ता था फ्रॉम कॉस्ट शेयर मार्केट वैल्यू या डब्ल्यू डी वी से एंड देन कैलकुलेट इंडेक्सेशन 2014 से पहले अगर ये फॉरफिट होता था ना तो इसको कॉस्ट में से माइनस कर देते थे ये ये करके कि रिकवरी ऑफ कॉस्ट है भैया इसने जितनी कॉस्ट लगाई है उसमें से इसको कुछ रिकवर हो गया ऐसा मान लिया जाता था 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आया उन्होंने बोला ये रिकवरी ऑफ कॉस्ट नहीं है ये तो उल्टा एडिशनल बेनिफिट है तो लॉ को चेंज किया गया विथ इफेक्ट फ्रॉम वन फोर टू थाउजेंड एंड फोर्टीन एंड इसे कहा टैक्स करेंगे टैक्सेबल इन आई एफ ओ एस तो जो एडवांस मनी फॉरफिट होता है आफ्टर टू थाउजेंड एंड फोर्टीन ये कहां टैक्सेबल होता है आई एफ ओ एस ये था आपका सेक्शन फिफ्टी वन दो मिनट नोट्स पे आओ दो मिनट नोट्स पे आओ पृष्ट क्रमांक इलेवन पे है शायद देख लीजिए जो एडवांस मनी फॉरफिट किया है अप टू 2014 जो एडवांस मनी फॉरफिट किया अप टू 2014 इसे रिड्यूस किया जाता था कॉस्ट फेयर मार्केट वैल्यू या डब्ल्यू से और यही अगर और फीचर आफ्टर 2014 हुआ है तो इसको टैक्सेबल होता है आई एफ ओ एस के अंदर में लेकिन फॉरफीचर बाय प्रीवियस ओनर क्या किया जाता है इग्नोर तो क्योंकि इस सेक्शन में सिर्फ एस की बात की है प्रीवियस ओनर की नहीं तो मान लीजिए डैड ने कोई फील्ड निगोशिएशन किया था और फॉरफीचर किया था ये फॉरफीचर का कोई एडजस्टमेंट को नहीं करना बाद में डैड ने मेरे को ये गिफ्ट कर दिया मैं जब कैपिटल गेन कंप्यूट करते रहूंगा उनके द्वारा जो फॉर्फीचर अमाउंट हुआ है उसका कोई एडजस्टमेंट को करने की जरूरत नहीं है ये yes, तो रजिस्टर में जाइए रजिस्टर में सिर्फ एक पॉइंट डाल दीजिए फॉरफीचर बाय प्रीवियस ओनर इज इग्नोर्ड यहां फॉरफीचर बाय प्रीवियस ओनर इज इग्नोर्ड फॉर फ्यूचर बाय प्रीवियस ओनर इज इग्नोर्ड इज अर डन चलो अब देखो वापस फॉर्मेट में जाओ पिज पलटो सेक्शन फोर्टी एट में जाओ रुकने का नहीं थकने का नहीं बेटा चलो जल्दी इतना ईमानदारी सेल्फ स्टडी करने बैठते तो कभी हो पाता क्या बिल्कुल नहीं तो आज अगर मैं करवा रहा हूं तो दंदन कर लेना रुकने का नहीं हाँ जी तो सेक्शन फोर्टी कहता था पहला शब्द ढूंढना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यस अब दूसरा शब्द क्या है एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर आ जाओ बेटे बेटे नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर ट्रांसफर के वक्त किए गए खर्चे बराबर है बेचते वक्त कई खर्चे होते हैं एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल बोलो बेटा लीगल एक्सपेंसेस, ब्रोकरेज एटसेट्रा दो तरीके से दिया जा सकता है या तो ये कैश में दिया जा सकता है या तो परसेंटेज में दिया जा सकता है कैश में दिया तो क्या करना है एक्चुअल परसेंटेज में दिया तो क्या करना यू हैव टू टेक परसेंटेज़ ऑफ सेल कंसिडरेशन यू हैव टू टेक द परसेंटेज ऑफ सेल कंसिडरेशन सेल कंसिडरेशन का परसेंटेज आपको लेना है बराबर है अच्छा दूसरी बात याद रखिए एसटीटी पेड नॉट अलाउड एज डिडक्शन

गिवन इन कैश टेक एक्चुअल गिवन इन परसेंटेज टेक परसेंटेज ऑफ सेल कंसिडरेशन नॉट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एक्सपेंसिस ऑन ट्रांसफर डज नॉट इंक्लूड एस टी टी हेंस एस टी टी पेड इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन क्लियर बात है येस अब सोच के देखो वापस सेक्शन फोर्टी एट में जाओ कमऑन स्पीड बेटा थक गए क्या नहीं ना थकने का नहीं बेटा है ना जिस दिन पैसा आएगा उस दिन बोलोगे क्या नहीं थक गए अब रेंदे नहीं तो इसमें भी रुकने का नहीं हाँ सेक्शन 48 में पहला वर्ड क्या था फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन दूसरा वर्ड क्या था एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर नेट कंसिडरेशन ऑटोमेटिक निकलेगा नेट कंसिडरेशन में से क्या माइनस करते कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बराबर है कि नहीं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलग अलग चीजों के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पकड़ने का बराबर है रजिस्टर में जाओ गिव द हेडिंग सेक्शन फोर्टी एंड फिफ्टी सेक्शन 49 एंड 55 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और ऐसा लिखने का रिफर नोट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दो सेक्शन में लिखा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने सेक्शन में लिखा है दो और अगर आप देखेंगे एक मस्त छोटू सा टेबल बना करके दिया है आपको बराबर है सर क्या ये टेबल याद करना है हाँ सर मतलब हमारी हाँ और मैं आपको याद दिला दूं ये सब आप पचास मार्क के लिए कर रहे हैं बराबर है ना ये सब आप कितने के लिए कर रहे हैं पचास सी एम आप सौ मार्क के लिए कर रहे हैं ये सब बराबर सी एस एग्जीक्यूटिव में भी आप सौ मार्क के लिए कर रहे हैं सी आप पचास मार्क के लिए कर रहे हैं ये सब है ना बस सर यही बात नहीं बोलनी थी बराबर है आप बिल्कुल ना भूलें यहाँ के सत्रह चैप्टर के बाद जीएसटी के भी आपके तेरह चौदह चैप्टर है वो भी एक सब्जेक्ट आपको है बराबर ना जीएसटी में कितने बोला अच्छा नए तीन ऐड हो गए करेक्ट हम हाँ। चौतीस बराबर? चौतीस चैप्टर पढ़ने हैं सौ मार्क के लिए भाई साहब इंटर वाले बच्चों की मतलब लिटरली हाल है तो सिलेबस भी कम करेंगे उतनी करते हैं। हमारे इनकमिंग आउट गोइंग है ही नहीं सिर्फ इनकमिंग आउट गोइंग आउट गोइंग अच्छा मेरे को जेनुअनली ऐसा लगा था मैं सच बात बोलता हूँ जेन्युन ऐसा लगा था कि यार पीजीबी कैपिटल गेन निकाल करके फाइनल में डाल देना चाहिए मतलब ये मेरा थॉट था और आपके पेपर को अकॉर्डिंगली उतना फिर कम करना चाहिए बराबर है या तो फिर मेक श्योर sure करना चाहिए था कि एटलीस्ट एक हेड जैसे कैपिटल गेन हो गया उसका बहुत बड़ा रिलेवेंस फाइनल में होता है कैपिटल गेन का बहुत बड़ा रिलेवेंस आपको फाइनल में है तो मेरे को ऐसा लगता है यार फाइनल में इसको रखना चाहिए रादर देन यहाँ पे या बहुत बेसिक सा पार्ट रखना चाहिए पर नहीं पूरा का पूरा सिर्फ एक चीज जो वैसे ही नहीं पूछते वही फाइनल में है सेक्शन फोर्टी सेवन ये भी कुछ क्लॉज मतलब जेन्युनली बहुत अत्याचार तो नहीं बोलूंगा मैं बट रियल पेशेंस टेस्टिंग यार मतलब जो जेन्युनली नहीं होना चाहिए वो दुनिया भर का दे रखा है और इतना सब पढ़ने के बाद किधर से पेपर आएगा वो भी पता नहीं क्योंकि उसको सबको परसेंटेज 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 में डाल रखा है है ना तो आप कभी नहीं लड़ पाओगे इंस्टीट्यूट से कि आपने तो बोला बोला था को आएगा आ नहीं परसेंटेज तो तो इसको पढ़ने का भी बड़ा आसान तरीका है आ जाते उसी एग्जाम्पल पे विजय ने uh, you know? विजय ने गोल्डन या तो, क्या करी होगी? या तो या में मिली होगी गिफ्ट विल इनहेरिटेंस डू यू अग्री

दूसरी सिचुएशन ये हो गया के रिलेटेड दूसरी सिचुएशन गिफ्ट विल या इनहेरिटेंस में 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 मिला। मान करके चलो मेरे डैड ने 2005 में लिया, मुझे 2015 में दिया। टेक्निकली मेरा तो एक्विजिशन एक्विजिशन कॉस्ट क्या है जीरो अगर जीरो पकड़ा जाएगा नहीं मेरा एक्विजिशन कॉस्ट जाता है और अगर प्रीवियस ओनर ने भी 2001 से पहले लिया है तो मेरा कॉस्ट पकड़ा जाता है कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर समझ में आई बात तो कोई भी असेट चाहे मैंने लिया हो चाहे प्रीवियस ओनर ने लिया हो अगर असेट 2001 से पहले लिया है यू हैव अ राइट टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज हायर समझ में आ रही बात सो तो अगर यू you नो know, गिफ्ट विल इनहेरिडेंस में मिला तो हम क्या ले सकते हैं कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर यहाँ पे लिखिए इफ एक्वायर्ड प्रायर टू टू थाउजेंड एंड वन कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर उनको अच्छा लगा सर फाइनल में सिलेबस कम है नहीं डीटी में यहाँ सत्रह है फाइनल में 53 चैप्टर पढ़ना है तेरे को मेरे साथ जिसमें पीजीबीपी जैसे पांच है जिसमें पीजीबीपी जैसे पांच है वहां पे तो तुम्हारे को इतने गजब गजब के चैप्टर है ट्रांसफर प्राइसिंग एनआर टैक्सेशन टैक्सेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट बहुत बहुत बड़े और उसमें सबसे बकवास का पार्ट आता है ना वो आता है इंटरनेशनल टैक्स पूछो क्यों तुमने कभी आर्टिकल चिप में किया ही नहीं होता इट इज जस्ट लाइक रीडिंग एन ई आई एस इट एग्जिस्ट बट यू डोंट नो हाउ इट इज वर्क समझ में आया देर इज अ सॉफ्टवेयर बट यू डोंट नो हाउ इट इज वर्किंग क्योंकि वो आपने कभी वर्क ही नहीं किया तो आपको फिर वो ऐसा है कि पढ़ना पड़ता और उसमें भी इंटरनेशनल टैक्स में भी मैं तुम्हारे बताऊ ना एक चैप्टर है मॉडल टैक्स कन्वेंशन इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स इतने प्यारे चैप्टर है इतने उसमें उन्होंने क्या डाला है मालूम है हिस्ट्री वियाना कन्वेंशन कहाँ से इंटरनेशनल टैक्स लॉ बने और उसमें कितने आर्टिकल थे जो कंट्रीज ने मिल करके डिसाइड किए थे मतलब टेक्निकली तुम फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हो पर पढ़ हिस्ट्री रहे हो नहीं स्कूल में सब्जेक्ट होता था फ्यूचर पर पढ़ा क्या रहे हिस्ट्री अरे मेरे को क्या करना है पास्ट में किसी ने क्या किया नहीं सर समझने के लिए अरे भाई जिसको जरूरत है उसको पढ़ाओ ना मेरे को क्या को पढ़ा रहे बात पर पर नहीं तुम्हारे को पढ़ाना है तुमको ये पता होना चाहिए कि ये लॉ आया कहा से है। और इसके लिए तुम्हारे को बत्तीस पेज पढ़ाए जाएंगे जिसका इन टोटल एग्जाम में मार्क्स चार है वो भी पांच छह अटैम्प्ट में एक बार पूछते हैं सर आज से ऑप्शन में <laughs> <laughs> भरे भरे की नहीं। कोई बात नहीं पर हो जाता है है आसान ऐसा नहीं है हाँ हार्ड है पर इस चक्कर में लेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है ना अब जैसे देखो मेरे को एक बात समझाओ तुमको खुद को भी पता है कि डीटी हार्ड नहीं है हा, आसान है पर लेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है ना कि फिर उस चक्कर में तुम एक को याद रखने तुम कैपिटल गेन में आते तब तक के बेसिक भूल जाते और जब तक डिडक्शन में पूछोगे पांच हेड भूल जाओगे समझ बस तो ये होता है आओ इधर जल्दी से तो असेट एक्वायर किया या गिफ्ट इनहेरिटेंस में मिला अब कुछ और नेक्स्ट आता है, आता है shares. अब shares में कौन कौन से होते है? पहला होता है ओरिजिनल शेयर्स मतलब जो तुमने एक्वायर किया है जो तुमने एक्वायर किया है एक्विजिशन कॉस्ट यही अगर असेट दो से पहले लिया होगा तो कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एवर इज हायर क्लियर है मालिक तो एक्चुअल ऑफ दिस असेट यही अगर राइट शेयर होंगे राइट शेयर क्या होते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको और शेयर इशू किए जाते हैं पर आप सोच के बताइए ये हायर कॉस्ट पे इशू किए जाते हैं या लोअर कॉस्ट तो अगेन जितना आपने अमाउंट पे किया होगा वो आपके लिए एक्विजिशन कॉस्ट बन गई यस फिर आता है बोनस शेयर अब सोच करके देखिए बोनस शेयर आपने कोई पैसा पे किया तो बोनस शेयर के लिए वैल्यू क्या बनेगी नील तो जो बोनस शेयर आपको एक चार दो के बाद मिले इसका वैल्यू क्या पकड़ना होता है नील पर कोई भी एसेट जो 2001 के पहले लिया आप उसका फेयर मार्केट वैल्यू तो ले सकते हो तो सोच जो बोनस 2001 के पहले मिले होंगे उसका कॉस्ट जीरो है पर क्या फेयर मार्केट वैल्यू था इसीलिए जो बोनस बिफोर 2001 है उसके लिए आप क्या लेते हो फेयर मार्केट वैल्यू क्या लेते हो बेटा फेयर मार्केट वैल्यू फिर आता है स्वेट इक्विटी शेयर फिर क्या आता है बेटा स्वेट इक्विटी शेयर अब तू सोच के देख स्वेट इक्विटी शेयर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता होगा वेट अ मोमेंट सैलरी याद कर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर दिया employee के हाथ में परक्विजिट है क्या यस फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन इन नंबर ऑफ शेयर फ्यूचर में जाके जब भी तू इस शेयर को बेचेगा विल देयर बी कैपिटल गेन यस कॉस्ट क्या पकड़ेगा जो फेयर मार्केट वैल्यू टेकन फॉर कैलकुलेशन ऑफ परक्विजिट ये हम सैलरी में पढ़ के आ गए ज्यादा रहेगा क्योंकि जिस साल मिला होगा उस साल परक्विजिट माना जाता है जिस साल बेचोगे उस साल क्या आएगा कैपिटल गेन और जितने अमाउंट पे पहले परक्विजिट पे टैक्स दिया है वही तुम्हारे लिए क्या बन जाएगी कॉस्ट ठीक है फिर आता है राइट शेयर सब्सक्राइब बाय अदर पर्सन क्योंकि तुम जानते हो राइट शेयर तुम्हारे पास एक राइट right है या तो तुम रख लो या तो किसी और को रिनाउंस कर दो सपोज जोमैटो के शेयर एडीजेड को मिले बराबर है जोमैटो के शेयर एडीजेड को मिले एडीजेड ने बोला मेरे पास बहुत है विजय तू ले ले क्योंकि राइट शेयर जो है ये सस्ते में आए होंगे बराबर है सपोज सौ रुपये का शेयर चल रहा होगा जोमैटो का राइट होल्डर्स को सेवेंटी में ही आ जाता है अब मेरे को मार्केट से तीस रुपये सस्ता मिल रहा है एडीजेड को चाहिए नहीं एडीजेड बोलता है विजय तेरे को लेना है मैं बोलता हूँ हाँ मेरे को लेना है वो बोलता है ठीक है एक काम कर मैं पाँच रुपये मेरे पास रखूँगा ठीक है सत्तर तेरे को कंपनी को देना है तेरे को सेवेंटी फाइव में पड़ेगा फिर भी तेरा बेनिफिट है पच्चीस रुपए सस्ता मिल रहा है बराबर है कि नहीं अब मैं क्या करता हूँ पांच रुपए एडिजेड को देता हूँ सत्तर रुपए कंपनी को देता हूँ तो विजय के लिए कॉस्ट क्या बन गई सेवेंटी या सेवेंटी फाइव तो परचेज प्राइस, प्राइस पेड टू पर्सन रेनाउंसिंग सच राइट प्लस अमाउंट पेड टू कंपनी फॉर अलॉटिंग द शेयर्स ये क्या बन गई बेटा आपकी कॉस्ट ये क्या बन गई बेटा आपकी कॉस्ट अब इमोबल प्रॉपर्टी के केस में समझिए इमोबल प्रॉपर्टी का केस समझिए राइट अब देख कोई भी एसेट जो 2001 के पहले लिया हमारे पास क्या राइट है कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर अब सुन समझ सोच जब बेचते वक्त स्टैम्प ड्यूटी कंसिडर होती है परचेज करते वक्त भी स्टैंप ड्यूटी कंसिडर होनी चाहिए लॉ yes. आया इफ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एज ऑन फोर टू थाउजेंड वन इज अवेलेबल फेयर मार्केट वैल्यू नॉट बी मोर देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू के नॉट बी मोर देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जरा इसे ऐसे समझिए जनरली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका था पांच लाख रुपए मार्केट वैल्यू एज ऑन वन फोर टू थाउजेंड वन था सेवन लाख रुपीज आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या पकड़ते हैं सेवन लाख कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एवर इज हायर बरबर है कि नहीं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फाइव लाख फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन दिस डेट इज सेवन लाख स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज एट लैख एज ऑन वन फोर टू थाउजेंड वन अब बोलो कॉस्ट ऑफ एक्विजीशन क्या लेंगे ऊपर के लॉ को पढ़ के क्या लोगे क्या लोगे सेवन लैख क्या लोगे सेवन लैख लॉ पढ़ो इफ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज अवेलेबल फेयर मार्केट वैल्यू नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बराबर है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पांच लाख फेयर मार्केट वैल्यू सेवन लाख, बट स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सिक्स लाख, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या पकड़ा जाएगा लॉ समझ में आया सभी को येस yes, लॉ समझ में आया सभी को बहुत बढ़िया अब इसमें एक और चीज समझनी है एज ऑफ नाउ प्रॉपर्टी रिसीव्ड अंडर गिफ्ट प्रॉपर्टी रिसीव्ड अंडर गिफ्ट इसको हम ना फोर्टी नाइन फोर बोलते हैं ये आपको इंस्टीट्यूट पूछता है इसको क्या कहा जाता है फोर्टी नाइन फोर सुनो अंडरस्टैंड करना अब मैं आपको कैपिटल गेन प्लस आईएफओएस दोनों को मिक्स कर रहा हूं तब जाके आपको ये समझ में आएगा एग्जाम्पल अपन वही उठा लेते अपना सेलर बायर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सपोज करके चलते हैं सेवेंटी लाख पर आपने जो कंसिडरेशन डिसाइड किया सपोज करके चलते हैं फिफ्टी लाख अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरलिंकिंग ऑफ कैपिटल गेन आई एफ ओ एस फिफ्टी फाइव लैक कर रहा हूं टी डी एस भी जोड़ देते इसी में बराबर? बर। के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीडीएस करने की अंडर सेक्शन वन नाइनटी फोर आई ए हाँ या ना हा। आवाज करो पब्लिक हाँ या ना सेलर को आएगा कैपिटल गेन क्योंकि हम मान करके चलो लैंड एंड बिल्डिंग की बात कर रहे हैं मतलब सेक्शन लगेगा फिफ्टी सी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड हंड्रेड एंड टेन परसेंट ऑफ कंसिडरेशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान के इसको टैक्स लगाया जाएगा सेवेंटी लाख रुपी के हिसाब से ये अभी हम पढ़ के आए हैं अब बायर के हाथ में क्या होगा बायर के हाथ में लगेगा आईओ फो एस फिफ्टी सिक्स टू टेन इसे डीम्ड गिफ्ट माना जाएगा इसे डीम्ड गिफ्ट माना जाएगा आपके मन में बहुत उछल कूद के सवाल आएगा कि भाई साहब ये गिफ्ट कैसे हुआ ये तो परचेज हुआ ये परचेज जो आपने किया ये इन एडिक्वेट कंसिडरेशन सेक्शन फिफ्टी सिक्स टू टेन कहता है इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन एक्सीड हाँ टेन परसेंट ऑफ कंसिडरेशन एंड फिफ्टी थाउजेंड देन डिफरेंस इज टैक्सेबल बताइए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना था सेवेंटी लैख कंसिडरेशन कितना था 55 लाख डिफरेंस कितना हुआ 15 लाख क्या ये डिफरेंस 10 परसेंट ऑफ़ कंसिडरेशन के ऊपर है यस yes. क्या ये डिफरेंस 50,000 ,00 के भी ऊपर है तो so, 15 लाख स्ट्रेट अवे टैक्सेबल हो जाएंगे टू बायर एज गिफ्ट अब कोई नालायक मेरे को बोल सकती है तो अब इट इस डबल टैक्सेशन नो बट दिस इज डबल टैक्सेशन नो ये पंद्रह लाख रुपए सेलर के हाथ में भी टैक्स हो रहे हैं जबकि उसको मिले कितने फिफ्टी फिफ्टी lakh, फाइव लैक्स यही पंद्रह लाख रुपए बायर के हाथ में भी टैक्स हो रहे हैं ये तो डबल टैक्सेशन हो गया ना मुझे एक बताओ। सेलर को मिले कितने होंगे में? सेलर को मिले कितने होंगे कंसिडरेशन में फिफ्टी लैक्स फिफ्टी फाइव लैक्स वॉट एवर ठीक फिफ्टी फाइव लैक्स मिले होंगे और फिर भी उसको टैक्स कितने पे देना पड़ रहा सेवेंटी लैक्स पंद्रह लाख सेलर के हाथ में एक्स्ट्रा टैक्स हुए, अब यही लाख आप वापस किसके हाथ में टैक्स कर रहे हो बायर उसको गिफ्ट मान रहे हो जबकि ये परचेस है लॉ इसे क्या मानता है गिफ्ट जबकि क्या है परचेस क्या ये डबल टैक्सेशन है हाँ या यहां इज इट अ डबल यस हम डबल टैक्सेशन कभी भी तब कहते हैं जब एक ही आदमी दो बार टैक्स भरे हम डबल टैक्सेशन कहते ही तभी है जब एक ही आदमी कितने बार टैक्स भरे दो यस इज इट अ डबल टैक्सेशन नो अच्छा जी टीडीएस कितने पे होगा वन नाइनटी फोर आए पढ़ा दिया नहीं याद आ रहा तो पलटो और ढूंढो सेवेंटी फाइव जिसको याद नहीं आ रहा बुक पलटो और ढूंढो टीडीएस कितने अमाउंट पे होना चाहिए तीनों चैप्टर एक साथ ज़ूप से क्लियर होंगे देखना अब तुमको समझेगा टीडीएस में अमेंडमेंट क्यों किया टीडीएस कितने पे होगा सेवेंटी लैख कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर अब समझा टीडीएस में अमेंडमेंट क्यों हुआ क्योंकि फिफ्टी सी में फिफ्टी सिक्स टू टेन में दोनों जगह पे वर्ड इस तरीके के थे इसलिए टीडीएस में अमेंडमेंट करना पड़ा पर मैं आपको टीडीएस डी एस में समझा सकता था इसलिए इंटरलिंकिंग करनी पड़ती है तो ये हो गया चैप्टर कैपिटल गेन ये हो गया चैप्टर आई वो हो गया चैप्टर टी डी का और इंस्टीट्यूट जब भी पूछता है सीधा तीनों को मिक्स करता है अब मुझे एक बात बताओ सुनते हो सुनो नहीं, नहीं नहीं चलो पीजीबी पे भी मिक्स कर देते हैं इसमें सुनो ना सुनो ना थोड़ा सा थोड़ा सा दर्द सुनो आर यू रेडी मैं एक बात बताऊं विल योर आंसर चेंज इफ सेलर के लिए स्टॉक एंड ट्रेड है विल योर आंसर चेंज अगर सेलर के लिए स्टॉक एंड ट्रेड है ये yes. बदल जाएगा। और एक question आपको module में दिया है इस ले नहीं है तो भूल जाना इंटर पास हो गए आपको दिखाता हूँ इतना मिक्स करके ही इंस्टीट्यूट पूछता है तुम्हारे लेवल पे ये इंस्टीट्यूट में गया मैं ये स्टडी मटेरियल में गया इंटरमीडिएट लेवल पे ही पहुंचा इनकम टैक्स में पहुंचा कैपिटल गेन में पहुंचा अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मिलना चाहिए हरी के नाम का माय oh गॉड नहीं है फिफ्टी सी तो कहीं ढूंढेंगे बारह वर्ड है ना इस तरीके का है एक हरी नाम का क्वेश्चन है जो आपको दिया गया है जिसमें पूरा का पूरा कैपिटल गेन और आईएफओएस मिक्स किया गया है और ये सेम क्वेश्चन ना मैंने क्वेश्चन बैंक में भी डाला है ये सेम क्वेश्चन अपन ने किधर भी डाला है उधर भी डाला है पूरा समझ में आया बेटा अच्छा इंटरलिंकिंग लिख दिया है क्या तुमने लिखना चाहते हो तुम पहले ये बनाओ तब तक के मैं पेज नंबर ढूंढता हूँ हम्म ये देखो इधर देखो उन्होंने क्या किया नया मॉड्यूल बनाते वक्त इसे कैपिटल गेन से निकाल के आई एफ ओ एस में डाल दिया सिर्फ क्वेश्चन इधर का उधर क्या क्वेश्चन तो होना ही चाहिए वो मतलब अपने को मालूम है बिल्कुल हरी लियो हरी इज अ प्रॉपर्टी डीलर सोल्ड द बिल्डिंग एट्सेट्रा एटसेट्रा क्वेश्चन के नाम तक याद है भाई समझ रहे हो इस लेवल का काम होना चाहिए यस ये हरी नाम का क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन आई एफ ओ एस न्यू मॉड्यूल के अंदर में देख फिर को फोर्टी थ्री सी ए भी टेस्टिंग किया रिसीवर को फिफ्टी सिक्स टू टेस्टिंग किया फिर नीचे आकर के पूछा यही अगर शेयर ब्रोकर होता और प्रॉपर्टी डीलर ना होता तो आंसर क्या होता बेटा फिफ्टी सी और फिफ्टी सिक्स टू टेन तो कंटिन्यू ही होता इसलिए पढ़ो तो इंटरलिंकिंग से पढ़ो समझ तो में आया सिर्फ सेक्शन नहीं पढ़ो ये लेवल है तुम्हारे को इतने लेवल पे ही प्रिपेयर इसीलिए तुमको हर जगह पे इंटरलिंकिंग कराया जा रहा हूं मेरे को क्या लग रहा है मैं तेरे को एक मिनट में बता दू ये ये सेक्शन है पर इंग्लिश तो नहीं रीड करना है पढ़ना है इंग्लिश नहीं रीड करना है तुमको पढ़ना है सर मैं पहले जहाँ पढ़ रहा था वहाँ पे ऐसा इंटरलिंकिंग से नहीं पढ़ाया गया कोई बात नहीं आप रैंक या डिस्काउंट देख के तो नहीं गए ना बेटा है ना याद रखना एक लाख बच्चा एग्ज़ाम देता है ना रैंक पचास ही आता है और मेरा टारगेट क्लासेस नहीं मासेज है बराबर है कि नहीं चिल्लर उठा के पिल्लर बनाएंगे सी अंडरस्टैंड जो बच्चा रैंक में आता है ना इसमें मेरा ही स्टूडेंट क्यों ना हो कितना भी कर लो मैंने आपको कल भी यही समझाया वो बच्चा जो रैंक में आता है ना वो आप मान करके चलो वो बहुत पहले से ही बहुत हाई कैलिबर वाला है हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी होती है बात समझना जो तो रैंक में आता है वो हमेशा से ही ब्लेस्ड है पर मैं उस चक्कर में तुमको प्रोडक्ट बेचू ये सेंसिबल नहीं है समझ में आ रही बात क्योंकि रैंक में पचास ही आएंगे और कोई फर्क नहीं पड़ता दो दिन दो साल बाद कि आपका रैंक क्या आया था मैंने क्या कहा मान लो तुम रैंक में हो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं एक सी है तुम फर्स्ट टाइम अपनी इनकम ऑन करो एक सी है जो रैंक में है और एक सी है जो रैंक में नहीं है तुम कौन सा सीए ए सिलेक्ट करना चाहोगे वो जो तुम्हारा काम निकाल के दे इिस्पेक्टिव ऑफ रैंक या वो जो रैंक में है पर काम ना निकल पाए तुम्हारे लिए कभी भी रैंकर वो है जो तुम्हारा काम करके दे सिंपल गेम है आज हर बिग फोर का जो पार्टनर है वो रैंकर नहीं है समझ में आ रही क्या बात आज हर बिग फोर का पार्टनर रैंकर नहीं है सिंपल है क्योंकि अगर रैंक का इतना ही महत्व होता तो सी और ए जैसे एग्जाम में भी रैंक होते उनमें तो एग्जाम में रैंक ही नहीं आते अगर तुमने इतने से ऊपर लाया यू आर पास खत्म देर इज नो कैटेगरी रैंक और नॉन रैंक पी एफ ए सी सी में ये सब है ही नहीं ऐसा नो इसीलिए उन्होंने फाउंडेशन से भी रैंक हटा दिए क्योंकि होता क्या था कोई भी कोचिंग अकेडमी चाहे वो हमारी ही क्यों ना हो वो रैंक दिखाते थे इट्स अ गुड पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट बट इट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ एनी पर्सन समझ में आ रही मार इट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया क्योंकि ये एक गलत चीज है उस चीज को डिसाइड करने के लिए कहीं कोई रैंक नहीं आता इनमें क्यों आप मुझे बताइए ट्वेंथ ट्वेल्थ से रैंक हटा दिया वहाँ पर तो परसेंटेज भी हटा दिया क्योंकि लोग इसको जज करते थे समझ तो मैं लोग इसको क्या करते थे जज करते थे कि इसको ज्यादा इसको है तो ये उशार है ये होशारे नहीं ये सुनो आप क्या ये बोल सकते हो मान लो आप दो अटेम्प्ट बाद सीए बने और कोई और पहले अटेम्प्ट में रैंक के साथ सीए बन गया आप ये बोल सकते हो क्या उसका नॉलेज ज़्यादा और तुम्हारा नहीं उसका साइनिंग पावर ज्यादा है तुम्हारा नहीं साइनिंग पावर तो सेम ही मिलेगा ना हो सकता है ना जी में मैं सीए बना जो मेरे अटेम्प्ट में रैंकर आया होगा वो भी इनकम कमा रहा होगा और मैं भी क्या <laughs> बेटा <वे दा। laughs> आ गए कैलकुलेशन ध्यान में आदमी का स्किल उसका सक्सेस डिसाइड करता है पास या फेल या रैंक नहीं एटलीस्ट मैं वो टीचर नहीं है जो इसको प्रमोट करेगा मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ इसके हाँ एडवर्टीजमेंट के लिए जो लिखना पड़ता है वो अलग बात है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस बट दैट शुड नॉट बी अ बिजनेस इट शुड बी अ पार्ट ऑफ बिजनेस एंड इट शुड रिमेन द पार्ट ऑफ बिजनेस आप अगर देखेंगे ना बहुत सारे जो बच्चे रैंक में आते हैं मेरे बहुत कम इंटरव्यूज़ हैं जो रैंकर्स के साथ लिए हैं उसका बहुत स्पेसिफिक रीज़न है मैं सिर्फ उन रैंकर्स का इंटरव्यू लेने में बहुत बिलीव करता हूँ जिसने सच में बहुत ज़्यादा मेहनत करके वहां पर पहुंचा है या मेरे को पता है उसका कंडीशन क्या है Yes no? नहीं तो हम जरूर क्लेम करते हैं हम उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उसको जो जो एज अ पार्ट ऑफ ये देना चाहिए देते देते हैं हैं अप्रिशिएट जरूर करते पर वो जो 300 प्लस वाला बच्चा है ना शायद मेरे उसको इतनी मेरी जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद से मेहनत करना जानता है हमको उन बच्चे के लिए हेल्प करनी चाहिए जो और आप भी ये याद रखिए या आप भी उन तरीके के बिजनेस में आएंगे कुछ तो चीजें आपकी जरूर होनी चाहिए जो या नहीं ये ये चीज नहीं होनी चाहिए इट शुड रिमेन दिस मेरे को कितना टाइम लगता है यार अगर मैं बैच पैसे में भी डिक्लेयर करता आपको नहीं लगता मेरे को बच्चे नहीं मिलते नहीं आराम से मिलते क्योंकि अमेंडमेंट था फाइनेंस एक्ट बदला हुआ था सब कुछ था चाहता एक मिनट के अंदर मैं ना इतना कमाता कि वापस से एक डिस्कवरी खड़ी करता बराबर है कि नहीं आराम से पॉसिबल था आराम से पॉसिबल था लेकिन मेरे को एक बात बता अगर मेरे को यही करना था तो फिर मतलब क्या था फिर मैंने क्या नया सीखा मेरे जीवन से कि यार मैं जिस तरीके से आया हूं, उस तरीके से बहुत सारे लोग बच्चों की फैमिली बदल सकती है जिस कंडीशन से मैं खुद आया हूँ मुझे वो चीज पता है ऐसे कई लोगों की कंडीशन बदल सकती है यार उनके फैमिली का पूरा जोग्राफी चेंज हो सकता है ऑल टुगेदर तो आज ये किया ना देख पैसा तो कमा लूंगा लेकिन अगर दुआ कमा पाया ना आज मेरे को एक बात बताओ जिन जिन बच्चों ने दुआ दी होगी तब जाके मेरे घर का तीन लोग जो हॉस्पिटल में बैठे थे ना उसमें से आज दो हॉस्पिटल से बाहर है पैसा तो बाद में कमाया होगा दुआ काम आई होगी एक वीडियो डाला था सिर्फ यूट्यूब के ऊपर कि भैया बच्चों एक फैमिली का इशू है सिर्फ नीचे जाके कमेंट देखो सारे बच्चों के बच्चों ने क्या किया हुआ है आप लोगों ने पर्सनली मैसेज किया हुआ है जब बच्चा सपोर्ट कर रहा है मैं आके संडे के दिन अगर उसके लिए खड़ा ना हूं तो क्या मतलब है फिर इस चीज़ बाकी क्या है रे पैसा किसी के पास ज़्यादा होगा किसी के पास कम होगा क्या फर्क पड़ने वाला है मेरे को एक बात बता क्या फ़र्क पड़ जाएगा कुछ नहीं बरे, -बरे की नहीं। बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है पर हाँ अगर तेरे पास पीस ऑफ माइंड है ना क्योंकि जिनके पास पैसा भी है ना वो अंत में एक ही चीज़ ढूंढते पीस पहले दिन से पीस पे फोकस करना क्या फर्क पड़ रहा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा ऐसा न पर आज मैं इतना खुशी से कह सकता हूँ कि बस मेरे मम्मी पापा मेरे पे प्राउड है और ये मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है मेरे मम्मी पापा बहुत प्राउड है मेरे बापू हॉस्पिटल के अंदर में लिटरली वो क्या बोलता है तेरा बहुत बच्चों का लॉस हो रहा है यार विजय तू निकल जा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपको कसम से बोल रहा हूँ बोले तो यार बच्चों का बहुत लॉस हो रहा है विजय तू निकल जा मेरे को तो बापू दिख रहा था समझ रही बात फिर जब तक के ये ऐशोर नहीं हुआ ना कि यार ठीक है बापू ओके है। अब मैं मूव कर सकता हूँ तब मैं उठ करके आया और अभी भी मेरे बापू फ़ोन पे यही पूछता बराबर -बर चल रहा है वो जो तेरा इतना मिस हुआ था वो हो गया क्या मैंने बोला हाँ पापा वो सब सही चल रहा है ये जो चीज़ है ना आज मैं क्या बोलता हूँ तो पैसा कितना भी लगा देता शायद अगर गलत पैसा कमाता ना तो वो नहीं आ शायद नहीं बचता पर दुआ थी ना तो वो बच गया पैसा कई बार काम नहीं आता दुआ आती है मैं एटलीस्ट कर्मा बिलीवर हूँ थोड़ा सा मेरे को बाकी का पता नहीं हाँ मैं इस बात पे ज़रूर कहता हूँ जहाँ आप बचा सकते हो और जहाँ दिमाग लगा के पैसा कमा सकते हो उतनी चालाकी आप में ज़रूर होनी चाहिए पर बेशर्मी नहीं होनी चाहिए चालाकी होनी चाहिए ये बात हमेशा याद रखना तुम सब भी एक प्रोफेशनल बनोगे बेशर्मी नहीं होनी चाहिए पैसा कमाने के लिए ना तुम्हारा दिमाग काम आना चाहिए तुम्हारी बेशर्मी नहीं और पैसा बहुत चीज़ों से कमाया जाता है ज़रूरी नहीं है अपने आप को गिरा के कमाया जाए बहुत मौके मिलेंगे ना अभी मेरे को एक बात बताओ जिस जिसने ये फास्ट ट्रैक का बेनिफिट लिया होगा या जिस जिस को ये बेनिफिट मिला होगा मेरे को कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑटोमेटिक दस लोगों को ऐसे ही बोल देगा इधर जो लॉस हुआ वो कहीं ना कहीं रिकवर हो जाएगा समझ में आ रहे क्या कहीं ना कहीं रिकवर हो जाएगा विषय खत्म विषय खत्म कोई बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है यस बट और आप सब भी ये ट्राई करना हर बार कोई भी चीज़ करने जाओ पहले समझना कि इसके इनकम आउटपुट और अदर चीज क्या हो सकती है और जेन्यविनली जहाँ तुम दे सकते हो ना आदमी महान ना दो तीन चीजों से बनता है पहली चीज़ है गिविंग पहली चीज़ क्या है गिविंग आज तक के आप जिन जिन लोगों को बहुत बड़ा मानते हो ना ये हर लोग वो लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ दिया है मदर टेरेसा समझ मारी जिन्होंने कुछ ना कुछ दिया है आप दे दो आप ऑटोमेटिकली कुछ बन जाओगे के बाद आप ऑटोमेटिकली कुछ बन जाओगे और इसीलिए अपने को यही काम करना है अब आज मेरे को देखो आज से एग्जैक्ट सात दिन पहले मैं इतना भयानक प्रेशर में था एक तरफ ये एक तरफ ये एक तरफ नागपुर एक तरफ जलगाँव सब में सब सब में सब तीन लोग माँ कसम हॉस्पिटल में एक वेंटिलेटर के ऊपर एक आईसीयू के अंदर में और एक नॉर्मल हॉस्पिटलाइज्ड और परेशान मैं बिल्कुल परेशान मैं लिटरली ना सोलह घंटे ड्राइव करके गया हूँ सिर्फ एक स्टॉप के साथ वहाँ पहुँचा सारी चीजें हैंडल करीडरस्टैंड सिर्फ और सिर्फ एक चीज होती है लाइफ में वो होता है कमिटमेंट वो आप अच्छे से पूरा करो सब आपके साथ रहेगा बराबर है, है कि नहीं एंड व्हेन यू सिलेक्ट पीस अंडरस्टैंड एक बहुत प्यारी बात कहने जा रहा हूँ लाइफ में जब आप पीस सिलेक्ट करते हो ना आपको कई लोगों को छोड़ना पड़ता है कई कंपटीशन खड़े होते हैं और कई लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं हमारे भी खिलाफ हुए होंगे तो तो ये छोड़ रहे बड़ा पर्पज देख सोचना भी है तो बड़ा सोच छोटा छोटा सोचने का मैं कुछ नहीं रखा है बड़ा सोच ठीक है टाइम लग सकता है उस चीज़ को करने के लिए मेहनत ज़्यादा लग सकती है उस चीज़ को करने के लिए लेकिन हम जैसे ना मिडिल क्लास परिवार वाले का लोग अगर क्लास चेंज ना तो जेन्य लगेगा टीचर बन के कुछ अच्छा किया बाकी पैसे तो मैं कुछ भी कर लेता तो कमाई ही लेता पर अगर मैंने उसका क्लास मेरे साथ चेंज किया वो जीवन भर ना एटलीस्ट मेरे को एक निगाह से जरूर देखेगा रिस्पेक्ट यार इस बंदे ने कुछ किया है और हक से अगर वो कभी भी रोड पे मिले आगे चल के कोई कोई वो बड़ी कंपनी में होगा तो ईमानदारी से हक से मिल करके एक फोन भी कर दूंगा ना वो मेरे लिए बिना पैसे के काम करने के लिए रेडी रहेगा ठीक है सर हो जाएगा काम जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ बिल्कुल अभी ही बिल्कुल अभी ही उनको ना एक हॉस्पिटल में मैं बेड नहीं मिल रहा था जहाँ दो लोग थे उसमें एक और जन चाहिए था मेरे को बेड नहीं मिल रहा था तो नागपुर में एक डॉक्टर की इस बेटी है मैंने ना लिटरली मतलब उसको जैसे ही पता चला उसने फ़ोन किया बोले सर क्या हुआ सर मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ मेरे डैडी ही है मैंने बोला यार अगर इतना करवा दे तो मैं बहुत थैंकफुल रहूंगा बोले सर थैंक यू की बात मैं तो ऑलरेडी आपका फास्ट ट्रैक देख रही हुई ये वो यार प्लीज करवा दे सर 20 मिनट बाद मेरे पास फोन आया सर आपके लिए बेड रेडी है प्लीज लेके ऑफेशन आप सोच इट्स अ टेक रिलेशन ना मैंने उससे लिया ना उसने घर से लिया ऐसा नहीं है प्रोफेशनल फीस नहीं लिया होगा जैसे आप बुक का कॉस्ट दे रहे होंगे एक्सेट्रा प्रोफेशनल फीस जरूर लिया होगा लेकिन मेरे लिए पैसा उस टाइम पे काम का है या फैसिलिटी काम की है ये होता है कभी भी कर्मा समझ में आ रही बात चलो बेटा जाओ ये इंटरलिंकिंग क्लियर हुआ क्या बेटा पक्की बात चलो सिर्फ दो पॉइंट और, और आज के लिए हम रुकेंगे अब आता है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मतलब एटलीस्ट आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तक का पूरा काम खत्म हो जाता है ठीक है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अब ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होता है बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में मैंने कुछ चीजों को अभी नहीं पढ़ाया मैंने जानबूझ के रोका है समझ में आ रही बात मैंने जानबूझ के रोका ताकि वो जगह पे हम लोग पढ़े तो समझ में आएगा ठीक अब आते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पे अभी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होता है भैया किसी भी प्रोडक्ट का कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड मतलब हम कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं तो हम उसकी कॉस्ट में ऐड कर देते हैं फॉर एग्जांपल बिल्डिंग रिनोवेशन कराया बिल्डिंग रिनोवेशन का कॉस्ट जो होता है हम अकाउंट्स में उसकी कॉस्ट में ऐड कर देते हैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक जो होता है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अब ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में जो है कैपिटल गेन कंप्यूट करते वक्त डिडक्शन मिलता है ये सोनो राइट इंटेंजिबल्स का कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या पकड़ा जाता है नील इंटेंजिबल एसेट बींग गुडविल ऑफ अ बिजनेस राइट टू मैनुफेक्चर एनी आर्टिकल थिंग और प्रोफेशन इसका इंप्रूवमेंट uh, कॉस्ट क्या पकड़ा जाता है नील क्योंकि इंप्रूवमेंट कितना वैल्यू बढ़ा यह आप कभी नहीं बता सकते लेट मी गिव्यू एन एग्जाम्पल हो सकता है ये फास्ट्रैक वो भी बच्चा देख रहा हो जिसने कभी मेरा नाम ना सुना हो वो आदमी अगर इससे इम्प्रेस होकर पचास बच्चे को बता देता है तो मेरा गुडविल कहाँ कौन से स्टेट में इंडिया के कहाँ इम्प्रूव हुआ मेरे को बताते ही नहीं आएगा कैलकुलेट करते भी नहीं आएगा इसलिए इन ट्यू क्या होता है इम्प्रूवमेंट का निल टेंजिबल अटो जो 2001 से पहले लिया इसका भी इंप्रूवमेंट क्या होता है नील अगर इंप्रूवमेंट किया होगा तो इसको क्या डिडक्शन मिलता नहीं इंप्रूवमेंट अगर 2001 के बाद हुआ चाहे प्रीवियस ओनर ने किया चाहे ने किया डिडक्शन इज अलाउड इंप्रूवमेंट के कितने पार्ट दो इंटेंजिबल से रिलेटेड इंप्रूवमेंट है जो गुडविल से रिलेटेड है उसका वैल्यू क्या पकड़ा जाता है नील टेंजिबल अट से रिलेटेड है दो के पहले किया निल दो के बाद किया अलाउड एज डिडक्शन ज दैट डन आप देखिए दो मिनट फॉर्मेट में जाइए जैसी आप फॉर्मेट में गए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डन एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर डन नेट कंसिडरेशन डन कॉस्ट ऑफ एक्विजीशन डन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्लियर है अगले वीडियो के अंदर में इंडेक्स कॉस्ट एंड आगे का कैलकुलेशन करेंगे यस yes? thank you so much for the day bye bolo thank you thank you online walo, icho, thank you pyara thank you